डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जरूर इंतजार कर रहे होंगे इस वीडियो का, यदि आप फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को जो अंडर ग्रेजुएट सीरीज है, फोर ईयर FYUGP, उसके फर्स्ट सेमेस्टर के DSC 2 के हम लोग पेनल्टी में थीम में पहुंच गए हैं, जाति व्यवस्था, वर्णा एंड जाति, एंड ऑफकोर्स कास्ट पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस बिना किसी भूमिका के आगे बढ़ते, क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। लेट अस बिगिन। जैसा मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट ईयर डीएससी 2 पेपर की वन ऑफ द थीम है। इसमें जो आपको थीम पढ़ने, आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने इसको कवर कर लिया, स्टेट क्राफ्ट, धर्मा, न्याय नीति, सभा समिति और राज्य राष्ट्र एक दो दिन के अंदर ही खत्म करेंगे। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्णा और जाति पे। अब इस पे एक लाइन में कह के केवल आगे बढ़ूंगा कि कौन यहाँ पे हो आप में से जो वर्ण और जाति के बारे में नहीं जानता है। हम सभी जानते हैं, क्योंकि यदि हम इंडियन हैं, चाहे हम किसी भी धर्म को माने, इवन मुस्लिम सिख में भी जाति व्यवस्था घुस गई है, तो हमें बचपन से कास्ट कॉन्शियसनेस होती है, एक आभास होता है कि हम इस कास्ट के हैं। स्कूल में, कॉलेज में, बातचीत करते हुए, रेस्टोरेंट में, जॉब प्लेस पे, फिर रिजर्वेशन की जिक्र आती है इलेक्शन में, और आप महसूस करते हैं, कॉन्शियसनेस आप में पैदा होती है कि आप एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जिसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक हैं, हिस्टोरिकल या एज्यूम्ड माना जाता है, आपसे एक्सपेक्ट की जाती है एक पर्टिकुलर टाइप के पीपल होने की। और आपको ये भी एहसास कराया जाता है कि एक हायरार्की है, एक ऑर्डर है, जिसमें आपका स्थान यहाँ पे है। आपके ऊपर ये कास्ट है, आपके नीचे ये कास्ट है, आपके ये अधिकार, राइट, प्रिविलेज या तो एज्यूम्ड, हिस्टोरिकल या कंटेम्पररी हैं। इस टाइप की एक कॉन्शियसनेस हम में सब में है। तो इसलिए कोई ये टॉपिक ऐसा है जो आप सब जानते हैं कि हम किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे लिखना है, इस पर यह चर्चा है। तो इसमें मैं बहुत सारे चीज लेके आया हूं, देखिए एक वीडियो में कवर नहीं होगा तो दो में करेंगे, नहीं तो आप प्लीज बियर कीजिए, एक घंटे से भी ज्यादा का वीडियो तो एक ही में खत्म करते हैं। देखिए, वर्णा एंड जाति पहले तो एक नट सेल में क्या है मैं बता दूंगा, एक समरी, फिर हम लोग वर्णा पे आएंगे, उसके मायने क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, और मनु स्मृति से मैंने वर्ण व्यवस्था लिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आएंगे कास्ट, और बीच में जाति देखिए यहाँ पे है, बीच में हमने कास्ट को घुसाया है, ये देखेंगे कि कास्ट जो है वो कैसे वर्णा और जाति से रिलेट करता है, क्या एक ही शब्द हैं ये तीनों या अलग अलग हैं, और कास्ट कैसे इन दोनों से रिलेट करता है। फिर हम आएंगे जाति पे, उसके क्या मायने हैं, क्या फीचर्स हैं, और वर्ण और जाति में क्या फर्क है, इस पे करेंगे चर्चा। फिर थोड़ी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे कि वर्णा और जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बहुत ही रोचक और बहुत ही एक तरह से अस्पष्ट थ्योरी है, अभी भी कोई भी नहीं जानता कि कैसे ये वर्णा और जाति, जो कि यूनिक है इंडिया में और किसी भी दुनिया के किसी पार्ट में इस टाइप का नहीं है, वो क्यों यहाँ पे जो है पैदा हुई, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या समाज का इस तरह से विभाजन, जो पॉल्यूशन, प्यूरिटी पे और या धर्म या रिलीजियस सैंक्टिटी पे आधारित हो, जो हायरार्किकल हो और जो बर्थ बेस्ड हो, जिसमें क्लोज हो, जिसमें चेंज नहीं किया जाए, ये बहुत ही अलग टाइप के सिस्टम है जो कि पूरे यूरोप या अदर जगह पे है, जो कि क्लास बेस्ड है, जो ओपन है, आप एक दूसरे से शिफ्ट कर सकते हैं। ये इस टाइप की क्यों उत्पत्ति हुई, उसके बारे में कुछ शायद पॉसिबल टाइप ऑफ थ्योरी हम लोग देखेंगे, क्योंकि कोई एका है नहीं। एंड देन लास्ट में प्रोबेबल क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं। आइए यदि हम एक समरी आपको व्यू दें, जो इसमें डिस्कशन आगे डिटेल में होगी। वर्ण जो है वो एक चार समझिए कि ग्रैंड ऑर्डर है, मतलब एक बहुत बड़ा समाज का बंटवारा चार टुकड़ों में, जो कि एक तरह का लगता है कि कार्य का विभाजन है, किसको क्या करना है, जो कि हर समाज में हुआ है, ग्रीस में हुआ है और पर्सिया में हुआ है, हर जगह हुआ है, क्योंकि समाज में जो है किसी को रक्षा करनी है, किसी को शिक्षा और स्पिरिचुअलिटी का काम करना है, कोई खेती करेगा, कोई आर्टिजन होगा, ये होगा। तो उस बेसिस पे लगता है कि ये चार पार्ट में जो है एक ग्रैंड बंटवारा है, लेकिन ये एक सिंपल बंटवारा नहीं है। हम लोग देखेंगे वर्ण, जो चार वर्ण है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, जिसको राजन या राजन्या भी कहा गया है शास्त्रों में, वैश्य और शूद्र हैं। ये चार वर्णा है, पांचवा कोई वर्ण मनुस्मृति कहता है नहीं है,
जबकि हम जानते हैं कि जो अनटचेबल्स हैं, उसको हम दलित बोलते हैं, उसको आउट कास्ट मतलब वर्ण के बाहर रखा गया है, जो वर्ण में समाहित नहीं है, वो अदर देन वर्ण जो है वो अनटचेबल्स हैं। ध्यान दीजिए कि शूद्रा जो है वो अनटचेबल्स नहीं है और वो वर्ण व्यवस्था का पार्ट है। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये कोई सिंपल, जैसे मैंने कहा ना, कोई सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है जो एथेंस में थी या कहीं पर्सिया में थी। इसको रिलीजियस सैंक्टिटी है और ये माना जाता है कि जैसे एक ब्राह्मण मतलब कि एक सुप्रीम मैन से जो है, प्राइमेवल मैन से जो वर्ल्ड क्रिएट हुई, उसने अपने को कण कण को जो है बिखेर दिया, तो उसे सूरज चांद तारे धरती पानी आकाश समुद्र ये बने, उसी मतलब प्राइमेवल मैन जिसको पुरुष कहा गया, पुरुषा या ब्राह्मण कह लीजिए, सुप्रीम क्रिएटर कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, उसी ने जो है चार वर्णों को अपने अंग से क्रिएट किया। अब आप समझिए, मतलब जिस तरह से सूरज चांद तारे धरती आकाश गगन हैं, उसी तरीके से ये चार वर्ण हैं। इसका मतलब ये पूरे ब्रह्मांड की जो ऑर्डर है, जो जीवन देती है, उसी तरह की सृष्टि का ये वर्ण एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। मतलब ये डिवाइन क्रिएशन है, ये डिवाइन मैंडेट है, ये कोई नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। ये डिफरेंस समझिए। सो इट वॉज पार्ट ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर एंड हैड डिवाइन ऑरिजिन एंड सैंक्शन। जाति एक बहुत ही अलग टाइप की इससे चीज है, जो कि ये ऋग्वेद के टाइम में वेदा लगता है, जैसे ही आर्यन आए, यदि माना जाए तो इस पे भी विवाद है कि आए या यहीं पे थे, उसके बाद ही से वर्ण की कुछ मिलती है, सूक्तियां मिलती है। एक तो जरूर मिलता है जिसको पुरुषा सूक्ता सुता कहते हैं, सूक्त कहते हैं, और 10 मंडल के 9वें मतलब श्लोक में लिखा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कोई खास जिक्र वर्ण का नहीं मिलता, लेकिन उत्तर वैदिक काल मतलब कि जब आप समझिए यजुर्वेद और उसके आगे जो उपनिषद सभाएं हैं, वहां पे जाति का विवरण मिलने लगता है, और जो कि धर्म शास्त्र में मनु स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, शुक्राचार्य स्मृति, इन सब में जो है जाति 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 दिखती है। वर्ण और जाति दोनों अब मिक्स होने लगे हैं, कहीं पे वर्ण है कहीं जाति है, और जाति बहुत ज्यादा है, कोई चार नहीं है, वो हजारों हो जाते हैं। अभी तो मंडल कमीशन ने 3000 से अधिक जातियां जो है वो निरूपित की हैं। तो जाति क्या है? जाति जो है एक जन्म के आधार पे लोगों का समूह है, जो किसी एक खास व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि उस व्यवसाय को अभी उस ग्रुप के लोग करते हों, जैसे कुम्हार है। कुम्हार ऐसा नहीं है कि सभी अभी जो कुम्हार जाति के लोग हैं वो कुम्हार का काम करते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकता है, लॉयर हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकली वो जो ग्रुप था वो बर्तन बनाते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते थे। इसी तरह से आप हर जाति को देख सकते हैं। एंड ये एक लोकलाइज्ड कम्युनिटी है बेस्ड ऑन बर्थ एंड ऑक्यूपेशन, और उसका कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि आप यदि तेलंगाना में जाएंगे तो वहां पे जो जाति हैं और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक, उनका जो कार्य, वो अलग है, और बिहार में भी आप जाएंगे तो वो अलग है। इसलिए बहुत लोकलाइज्ड है, ये पैन इंडिया वर्णा के जैसा नहीं है। वर्ण जो है केवल चार है, जैसा मैंने आपको बताया, और ये एक तरह का पैन इंडिया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसका कोई रियल लाइफ में मायने नहीं है। रियल लाइफ में जाति का मायने है, जो जाति को एक तरह से एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देता है कि उसमें हर जाति को अकोमोडेट किया जा सकता है। आप हजारों जातियों को चार वर्ण में खाने में फिट कर सकते हैं, ये दोनों में रिलेशन है। जबकि जाति जो है बहुत ज्यादा है, हजारों हैं, ये फिक्स्ड नहीं है, फ्लूइड है, हर समय जाति का इंटरेक्शन बदलते रहता है, जाति ऊपर नीचे होते रहती है खास करके बीच में, और लोकलाइज्ड है, ग्रैंड पैन इंडियन नहीं है। अब आइए जो तीसरा टर्म जो कास्ट है, हम लोग कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम कई बार हम लोगों को ये बताया जाता है, कास्ट मतलब जाति, लेकिन कास्ट मतलब वर्ण भी होता है। ये जब यहाँ पे पुर्तगीज आए और अंग्रेज आए, तो उन्होंने, चूंकि शुरू में पुर्तगीज आए थे, तो उनका एक वर्ड था कास्टा, और ये स्पैनिश वर्ड है जो कि लैटिन कास्टस से निकला है। उसका मायने होता था प्योर, मतलब प्योर स्टॉक, रेस, जो प्योर रेस है, उसको अंग्रेजों ने जो है कास्ट बना दिया, कास्ट ई लगा दिया, ए हटा करके,
और इन्होंने वर्ण और जाति दोनों को कास्ट कहना शुरू किया। इससे बहुत कंफ्यूजन हुई, लेकिन आप रफली समझ लीजिए कि चलिए जाति है, कास्ट इज जाति, एंड जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम। जब इंडिया आजाद हुआ या उससे भी पहले जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो जो हमारी जाति व्यवस्था है वो बहुत उसमें बदलाव आया। इनफैक्ट बदलाव तो तब भी आया जब मुस्लिम लोग आए, बहुत उसमें रिजिडिटी आ गई, पर्दा प्रथा आ गई, बाल विवाह आ गई, काफी सारी कुरीतियां भी आई। इनफैक्ट लोहिया कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, उनका कहना है कि जब जब समाज पे संकट आता है तो क्लास जो है वो ओपन सिस्टम जो सोसाइटी में होती है वो कास्ट क्लोज सिस्टम में बदल जाती है, और जब समाज उन्नत होता है, जब उसमें बहुत विकास होता है, तो कास्ट जो है वो क्लास में बदल जाती है, ओपन हो जाती है। तो हम लोग क्लोज्ड होते चले गए। पहले क्लास में काफी मोबिलिटी थी, मुस्लिम रूल के टाइम में क्लोज्ड हो गया, सभी अपने मेरे कास्ट को बचाने लगे, उसके मेंबरशिप को प्योर रखने की कोशिश करने लगे, प्यूरिटी पॉल्यूशन का जो है काफी ज्यादा रोल आ गया। तो अंग्रेजों ने ये देखा कि इसमें प्यूरिटी पॉल्यूशन है, क्लोज्ड है, उनको बड़ी हैरत हुई कि ऐसी कोई सिस्टम हो सकती है, और उन्होंने उस सिस्टम में छेड़खानी करने की कोई कोशिश 1858 के बाद नहीं की, क्योंकि उनको लगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसमें वो सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी वाली थी, वो जाति व्यवस्था पे एक तरह का चोट था, इसीलिए सब भड़क गए थे। तो इस डर से उन्होंने जाति व्यवस्था को अध्ययन करना शुरू किया, उसको क्रॉनिकल करना शुरू किया, और जाति को वो समझने की कोशिश में उन्होंने काफी भ्रम पैदा किया। जैसे उन्होंने क्रिमिनल कास्ट डिक्लेयर किया, वॉरियर क्लास डिक्लेयर किया, उन्होंने डरपोक कास्ट डिक्लेयर किया, और फिर बहुत सारे चीजें जैसे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन रिजर्वेशन सिस्टम भी लेकर के आए, और वो अभी तक जो है उसका दंश या जो भी कह लीजिए वो समाज में है, जो जिन्होंने तोड़, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि विद्वानों का कहना है कि अंग्रेजों ने जिस तरह से हमारे वर्ण और जाति को गलत ढंग से समझा और उसको गलत ढंग से ओरिएंटलिस्ट वे में निरूपित किया, उससे भी हमें काफी समस्या आई। क्योंकि निकोलस डर्क, मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इंडियन कास्ट सिस्टम जो है अंग्रेजों ने मॉडर्न काल में डिवाइस किया अपने गवर्नेबिलिटी के लिए, शासन चलाने के लिए। इस टाइप की जो आज हम सोचते हैं कास्ट, वो अंग्रेजों की देन है, एक व्यू है। एनीवेज, तो ये है कास्ट और कास्ट सिस्टम। मैं यहां ये कह रहा हूं कि कास्ट सिस्टम बहुत तेजी से बदला उसका स्वरूप कॉलोनियल काल में और पोस्ट कॉलोनियल जब हम आजाद हुए। खास करके जो कास्ट की जो ट्रेडिशनल राइट्स ऑब्लिगेशन थे, एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कि एक कास्ट दूसरे को सर्विस देता था, इसको जजमानी सिस्टम कहते हैं। पंडित जो है वो पूजा करवा रहा है, तो नाई जो है बाल काट रहा है, धोबी जो है कपड़े धो रहा है। गांव में इस टाइप का सिस्टम होता था, क्लाइंट पैटर्न, मतलब कि धोबी के जो है क्लाइंट है सभी गांव वाले, और उसको पैटर्न दे रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, वो उसको सर्विस दे रहा है। ऐसे हर कोई सर्विस हर कास्ट एक दूसरे कास्ट को देता था। वो जो है ब्रेक हो गई एक बार जब मॉडर्नाइजेशन आ गया, वेस्टर्नाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन आ गया, तो उसका जो रिचुअल और डिवाइन सैंक्टिटी थी वो भी खत्म हो गई, लगभग दिमाग से निकल गया। पॉल्यूशन प्यूरिटी को भी बहुत ज्यादा वैल्यू शहरों में नहीं दिया जाता, गांव में भले है, लेकिन कास्ट एक अलग रूप में सामने आई, और वो एक क्या रूप था, रिजर्वेशन सिस्टम। अब यहां पे हो गया कि आप यदि नीची जाति के हैं तो आपको कुछ सुविधा मिलती है, तो आप अपनी नीची जाति होने को आपको बेनिफिशियल लगने लगा, यूटिलिटी लगने लगी। इसी तरीके से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखा गया कि अच्छा, जो कास्ट ज्यादा संख्या में है उसकी तो ज्यादा सीट आएगी। तो यहां पे ये हो गई कि जो नीची जाति के लोग हैं वो ज्यादा संख्या में है, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब नीची जाति का होना फायदेमंद होने लगा। लोग नीची जाति को अपना कॉन्शियसनेस आइडेंटिटी लोग बताने लगे कि हम नीची जाति के हैं, कि मुझे वोट दो, अपनी जाति वाले को वोट दो। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन ने कास्ट को एक नया आयाम दिया, जो उसकी जो रिचुअल डिवाइन या रिलीजियस सैंक्टिटी थी उसके जगह पे अब नए रूप में कास्ट आइडेंटिटी और कास्ट कॉन्शियसनेस ने काम करना शुरू कर दिया लोगों के लिए। इसीलिए कास्ट कभी जो है टूटा नहीं, और जो पुरातन पंथी जो कास्ट की जो दुर्गुण है वो तो रहे ही, कि दलित यदि घोड़ी पे चढ़े तो लड़ाई हो जाए, मूछ रखे तो उसको दबाया जाए, डोमिनेट किया जाए, मंदिर में घुसने से भी मना किया जाए, अनटचेबिलिटी खत्म करने के बाद भी ना माना जाए, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो अभी भी डोमिनेट करने की कोशिश करें, कास्ट वायलेंस, ये सब तो
कहीं ना कहीं रही ही, जो जो मवाद के जैसे थोड़ी बहुत शहर में कम हुई, गांव में रही, लेकिन एक नए रूप में कास्ट जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन सिस्टम के चलते सामने आया। ये एक जिस्ट है वर्ण और जाति व्यवस्था और कैसे उसमें परिवर्तन आया है। अब यदि इतनी लंबी डिस्कशन हो गई है तो क्या हम तेजी से चल सकते हैं? आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा और मनन कर लीजिएगा, नोट काफी लंबे लंबे हैं। वर्ण जो है, जैसा मैंने कहा कि एक तो इसका जो लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ कलर होता है, वर्ण। आप श्वेत वर्ण के हो संस्कृत में, तो ये लगता ऐसा है जितना भी थ्योरी है उससे, कि जब आर्य यहाँ पे आए तो वो फेयर कलर्ड के थे, जो यहाँ के नेटिव इंडियन थे वो थोड़े डार्क स्किन थे, उस पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, तो अपने को उन्होंने उससे अलग करने के लिए उनको दासा या दासियूज कहा, और अपने को उन्होंने फेयर कलर्ड कहा। तो ये यहां से शुरुआत हुई। अब उन्होंने किया क्या कि अपने को उन्होंने तीन पार्ट में बांटा, जो कि बहुत नेचुरल था, मतलब आर्यन फेयर कलर्ड सफेद रंग वाले, जो लोग स्पिरिचुअल रियलम को देख रहे हैं, डोमेन के हैं, जो आप कह लीजिए जैसे एथेंस में फिलोसफर किंग थे, तो वो ब्राह्मण हुए, जो स्पिरिचुअल डोमेन की रक्षक हैं, जो टेम्पोरल डोमेन के रक्षक हैं, जो कि रक्षा कर रहे हैं, सोल्जर हैं, राजा का काम कर रहे हैं, वो क्षत्रिय हुए, और जो रिमेनिंग क्लास है जिसके कंधों पे सवार होकर के ब्राह्मण और क्षत्रिय राज करते थे, वो प्रोड्यूसर क्लास था, खेतीहर, पैस्टोरल, आर्टिजन, जो सब कुछ कमा रहा है, जो जो गृहस्थ है। अब जो दासाज हैं या दास्यूज, उनको उन्होंने शूद्र क्लास में रखा कि आप डार्क स्किन्ड हो, आपको हमने डोमिनेट किया है, तो आप हमारी सेवा करो। एक लगभग, मैं हमेशा कहता हूं कि ये कोई, मैं जो कह रहा हूं ये जो मेरी समझ है, जो जितना हम लोग पढ़ पाए हैं, कि ऐसा लगता है इस बेसिस पे चार वर्ण जो है वो आर्यन ने बनाया और उसको उसी ढंग से ऋग्वेद में लिखा गया। तो वर्ण जो है चार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ हिंदू सोसाइटी बन गया, फोर मेजर पार्ट, जिसमें कि आप सभी को एकोमोडेट कर सकते हो, हजारों जातियों को। और जैसा मैंने आपको डिटेल बताया कि वो एक कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांड का जो क्रिएशन हुआ उसका एक डिवाइन पार्ट वो बन गया। ये कोई नॉर्मल नहीं था, ब्रह्मा ने खुद क्रिएट किया, जैसे सूरज चांद तारे, उसी तरह से चार वर्णों को। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत सिमिलरिटी है एंशियंट ग्रीस एथेंस में भी। आप यदि प्लेटो का रिपब्लिक देखें तो उसमें तीन क्लास बताए गए हैं, फिलोसफर किंग जो यहाँ के ब्राह्मण जैसे हैं, वहाँ के ऑक्सिलरी क्लास जिसको सोल्जर क्लास था, यहाँ के क्षत्रिय, और जो प्रोड्यूसर क्लास को प्रोड्यूसर क्लास वहाँ पे कहा गया। इसी तरह से पर्सिया में भी जो है इस तरह की डिवीजन देखेगा और कई समाज में, लेकिन ये कई मायनों में उससे अलग था, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको कॉस्मिक ऑर्डर का पार्ट माना गया, डिवाइन माना गया, रिचुअल और रिलीजियस जो सैंक्टिटी इसको थी। फोर वर्णा जो है एक साथ ऋग्वेद में केवल एक ही उसके श्लोक में, हाइम्स में वो नजर आता है, वो है पुरुषा सूक्ता, जो मैंने आपको बताया दसवें मंडल के 90th श्लोक में। उसमें एक अजीब सी बात कही जाती है कि जो सुप्रीम क्रिएटर है उसने अपने अंग को बिखेर करके सूरज चांद तारे सब बनाए, और उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट से ये चार जो है वर्ण क्रिएट हुए। उसके मुख से जो है वो ब्राह्मण क्रिएट हुए, उसके कंधों से जो है वो क्षत्रिय क्रिएट हुए, उनके जांघों से जो है वैश्य क्रिएट हुए, और उनके पैर से जो है, फीट से जो है शूद्र क्रिएट हुए। ये उसी तरीके की एक नोबल लाई दिखता है, एक झूठ दिखता है, नोबल मतलब जो कि चलिए समाज को एक रखने के लिए किया गया, जो प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में नोबल झूठ जो है उन्होंने कहा था। उन्होंने उस तरह से कहा था कि जैसे फिलोसफर किंग की जो आत्मा है वो गोल्ड की बनी हुई है, जो उसका सोल है, और जो ऑक्सिलरी है वो सिल्वर की है, और जो प्रोड्यूसर क्लास है वो ब्रॉन्ज का है। इस टाइप की उन्होंने नोबल लाई बोला था, उसी टाइप का ये नोबल लाई मान सकते हैं। लेकिन इससे हुआ क्या कि ये जब आप ये कह दोगे कि सुप्रीम ब्रह्मा के इस अंग से निकले हैं, तो ये हायरार्की बन गई। जो मुख से निकलेगा और वो भी धर्म कर्म का जो काम करेगा, शिक्षा का, वो हायरार्की में ऊपर आ जाएगा। जो उसकी कंधे से निकलेगा और रक्षा करेगा, वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और ऑफ कोर्स जो फीट से निकलेगा शूद्र, वो नीचे हो जाएगा। तो ये एक तरह का इस हाइन ने ही जो है, इस श्लोक ने ही इसको हायरार्की दे दी। ये रहा।
और ये भी हुआ कि जो मुख से निकलेगा वो ज्यादा प्योर होगा, जो फीट से निकलेगा वो इम्प्योर होगा। तो प्योरिटी इम्प्योरिटी भी कहीं ना कहीं इसमें वर्णित हो गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था पूर्व वैदिक काल में, मतलब शुरू में, कि ये ओपन सिस्टम जैसा दिखता है। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पे कि वर्ण जो है वो जन्म आधारित ना होके कर्म आधारित होते थे और कोई भी किसी वर्ण में जा सकता था, जैसे कि प्लेटो के रिपब्लिक में है। लेकिन बाद में जब वो जाति में कन्वर्ट हो जाते हैं हजारों में, तो वो रिजिड से रिजिड होते चले जाते हैं, या हम मानते हैं मॉडर्न काल में को रिजिड हो गए। हम कोई नहीं जानता कि कितने रिजिड थे, क्योंकि जातियों में भी काफी उथल पुथल की जो है ऐतिहासिक मिलती है। लेकिन अंग्रेजों ने जिस तरह से इसको अध्ययन किया, उसको हम लोगों को यह बताया गया कि बहुत रिजिड है। अभी भी कोई रिजिड नहीं है। आपको पता है कि अभी कितनी जातियां टूटती है, कितनी इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, और उस समय भी होते होंगे। और ऐसा माना जाता है कि वर्ण में भी जो है, जो इंटर वर्णा मैरिज से ही सारी जातियां निकली है, कि ब्राह्मण ने की बेटी है, क्षत्रिय का बेटा है टाइप की जो शादियां हुई है, अनुलोम प्रतिलोम कहते थे, उससे ही जो है, उसको इंग्लिश में हाइपरगेमी हाइपोगेमी कहते हैं, उससे ही सारे जो है जातियां निकली है। तो कभी भी बहुत स्टैटिक नहीं रहा। लेकिन अंग्रेजों ने अपने जो भी उनकी समझ थी, उन्होंने इसको एक रिजिड सिस्टम के तौर पे हमें प्रस्तुत किया, और चूंकि उन्होंने हमें जो बताया उसी को हम लोगों ने माना, तो हम ये मानने लगे कि कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड है। यही हम लोग मान के चलते रहे। अब यहां पे ये देखिए कि फर्स्ट थ्री बर्ना जो है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि वो फंक्शनल डिविजन जैसा लगता है आर्यन का, कि एक स्पिरिचुअल डोमेन को संभाल रहा है, एक टेम्पोरल डोमेन को, मतलब कि रूल को, और तीसरा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो करना ही है। और चूंकि उनके पास में एक चौथा डोमिनेटेड क्लास था, जिसको उन्होंने सर्वेंट या स्लेव कह लीजिए, डोमिनेटेड स्लेव सर्वेंट क्लास सूद्रा के रूप में लिया। तो ये भी आपको पता है कि एथेंस से लेकर हर जगह स्लेव जो है एक क्लास होता था। तो लगभग कोई यहाँ पे कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, एक्सेप्ट कि ये डिवाइन ओरिजिन कॉस्मिक ऑर्डर का पार्ट और रिचुअल एंड रिलीजियस सैंक्टिटी इसको थी, और ये एक तरह का बाद में रिजिड होती चली गई। अभी बहुत जल्दी से हम लोग जो है इसके फीचर्स देख सकते हैं। ये केवल मैं एग्जामिनेशन के लिए फीचर लिखता हूं, बहुत सारे रिपीटेशन होते हैं। फर्स्ट दो वर्ण जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय स्पिरिचुअल और टेम्पोरल रिल्म या डोमेन को दर्शाते हैं। टेम्पोरल डोमेन मतलब होता है दीन दुनियादारी, मतलब जो राज काज जो हो रहे हैं जो, और जो स्पिरिचुअल डोमेन हो गया वो धर्म धर्म और ट्रांसडेंटल वर्ल्ड के बारे में पूजा पाठ, तो इन दोनों की जो है रक्षा करने के लिए है टेम्पोरल स्पिरिचुअल डोमेन। जो थर्ड वर्ण मैंने आपको बताया कि वही बेस थे प्रोड्यूसर क्लास, जिसके कंधों पर सवार होकर के आर्यन सिविलाइजेशन चला, उसी पर जो है आप राजकाज भी करेंगे, धर्म कर्म भी करेंगे। तो असली जो है प्रोड्यूसर क्लास था जो वैश्य थे। मनुस्मृति कहता है केवल चार वर्ण है, कोई पांचवा वर्ण नहीं है। लेकिन हम लोगों को पता है कि पांचवा जो वर्ण व्यवस्था के बाहर थी, उसको अनटचेबल कहा गया, अस्पृश्य कहा गया, जिसको कि अभी हम लोग दलित कहते हैं, वो एक तरह से बाहर थे इस वर्ण व्यवस्था के। जैसा मैंने आपको बताया बार बार कि इसको एक डिवाइन सैंक्शन था, जो क्रिएटर जो था, जो प्राइमेविल मैन, जो आदि पुरुष, उसके शरीर के टुकड़ों से जो है निकला हुआ माना गया, और इसको खुद ही जो है गॉड ने या क्रिएटर ने डिफरेंट ड्यूटी राइट्स एंड प्रिविलेजेज चारों वर्ण को दिया, जैसे ये माना जाता, और ये पार्ट ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर था। ये माना जाता है कि ब्राह्मण को गॉड गिफ्टेड सैंक्टिटी थी कि वो पढ़ाए और पूजा पाठ करे, वेदों का पाठ करे, क्षत्रिय को था कि वो रक्षा करे, वो किंग बने, एडमिनिस्ट्रेशन करे और आर्मी में जाए, वैश्य जो है वो ट्रेडर हो सकता था, फार्मर हो सकता था, हर्ड्समैन, कैटलमैन, हर तरह का जो प्रोड्यूस करना, मतलब गृहस्थ हो सकता था जो प्रोड्यूस करे, धन संचय करे, जो नॉर्मल लाइफ लीड करे, और शूद्रा के लिए जो है वो सर्विस, जो तीन वर्ण का है वो उसके लिए निर्धारित था। यहां पे आप के मन में ये जरूर आएगा कि ये तो शूद्रा सर्विस क्यों था निहित, तो मैं यहां पे आपको केवल कहूंगा कि आप स्लेव सिस्टम के बारे में जरा सोचिए। एक पूरी जो स्लेव जो क्लास था वो सबकी सेवा करने के लिए था, और यदि एरिस्टोटल की आप थॉट को पढ़ें तो उनका कहना था कि स्लेव बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो 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 बुद्धिमान लोग हैं, जो दिमाग से काम करते हैं, जो सिटीजन है,
जो रूल करते हैं, शासन करते हैं, उनको वो मुक्त कर देता है डे टू डे के छोटे मोटे कार्य, खाना बनाने, झाड़ू पोछा, बर्तन, इस टाइप की चीजों से। तो इसीलिए और वो उसकी संगति में जो है उस स्लेव को भी फायदा होता है। यदि आप उस ढंग से जाए तो शूद्र का उसी टाइप का रोल था, लेकिन वो स्लेव की तुलना में काफी उनको राइट्स थे, बहुत अधिकार थे, वो फ्री मैन थे। यहाँ पे वो बंधक नहीं थे स्लेव के जैसा, उनको जो है आदमी की तरह ट्रीट किया जाता था। वर्ण व्यवस्था में उनके राइट्स, प्रिविलेजेस सुरक्षित थे, वो वर्ण व्यवस्था का एक इंटीग्रल पार्ट थे। तो यदि हम अपने वर्ण व्यवस्था को देखें तो वो यूरोपियन से ज्यादा अच्छे थे अभी भी, क्योंकि स्लेव के बदले यहां शूद्र हैं, जो कि इंटीग्रल पार्ट है वर्ण व्यवस्था के। जैसा मैंने बताया कि इनिशियली लगता है कि वर्ण सिस्टम जो हेरिडिटरी नहीं था, इसमें फ्लुइडिटी थी, कोई भी अपने कर्म के आधार पर किसी वर्ण में जा सकता था। ये भी मैंने आपको बताया कि वर्ण जो है वो एक पैन इंडिया थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क देता है सोशल स्ट्रक्चर का, जिसमें हजारों जातियों को जो है एकोमोडेट किया सकता है चार खानों में। आप हजार जाति भी होगी तो आप उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में एकोमोडेट कर दोगे। ये एक हायरार्किकल सिस्टम था, मैंने बताया कि ये ऊपर ऊपर नीचे ये एकदम शुरू से ही था। इसके किस वर्ण के आप हैं उससे आपका सोशल स्टेटस, आपकी पावर और आपको जो रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्स का जो आपको एक्सेस है, वो सब निर्धारित होता था आपके वर्ण के हायरार्की से। ये धर्म से जो है इंटीमेटली लिंक था। हर क्लास वर्ण जो है वो अपना ड्यूटी धर्म के अनुसार से उसको परफॉर्म करना था। इसी से एक इंडिविजुअल और समाज दोनों का हित जो है सुनिश्चित होना था, मतलब कॉमन गुड भी, इंडिविजुअल का भी गुड। यहां तक था कि जो राजा का धर्म होता था कि वर्ण व्यवस्था या वर्ण आश्रम धर्म को मेंटेन करे, कोई उसका इंफ्रिंजमेंट करे, मतलब कोई अपने वर्ण के अनुसार ड्यूटी ना करके दूसरा करे, तो राजा उसको दंडित करे, ये राजा का धर्म था। तो आप समझिए कैसे धर्म से इसको जोड़ा गया और इसको राजा के ड्यूटी से भी, राज धर्म से भी जोड़ दिया गया कि राजा की ये परम ड्यूटी बन गई कि वर्ण व्यवस्था को वो मेंटेन रखे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ वर्ण सिस्टम। डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ण व्यवस्था का जो मैंने पोर्शन लिया है ये मनु स्मृति से मैंने लिया है, और मेरी जो एक वीडियो है मनु स्मृति उससे काफी चीजें इसमें हैं। मैं इस वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, ये जस्ट समझने के लिए आपको और आगे है कि वर्ण व्यवस्था मनु स्मृति में कैसे निहित है, कि ब्राह्मण का क्या रोल है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, आपस में उनका क्या इंटरेक्शन है, रिलेशन है। तो चलिए इसको देखते हैं, लेकिन आप इसको अपने से पढ़ लीजिए जिससे कि एक ही वीडियो में इसको कवर कर सकूं, इस थीम को, वर्ण जाति को। जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था का मतलब यह है कि इंटरेक्शन जो चारों वर्ण का क्या था, उनकी क्या ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, स्टेटस क्या था, और एक तरह का जो सोशल स्ट्रक्चर कैसे इस वर्ण से जो है निर्धारित होता था इंडियन सिविलाइजेशन का। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के ये कार्य जो है नहीं थे, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये एक सोशल हायरार्की को दर्शाता था, हायरार्किकल ऑर्डर में था, ब्राह्मण एट द टॉप, शूद्र एट द बॉटम, वेरी ऑब्वियस। और यदि हर कोई वर्ण अपने वर्ण के अनुसार से ड्यूटी को निभाए, फॉलोइंग हिज और हर धर्म, तो पर्सनल एंड सोशल गुड, मतलब दोनों का हित जो है पर्सनल और सोशल, वो अचीव किया जा सकता था, कॉमन गुड भी और इंडिविजुअल भी। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है, यही वर्ण व्यवस्था है। इससे पहले कि हम लोग एक-एक वर्ण का फंक्शन को देखें, राइट प्रिविलेजेस, यहाँ पे दो बंटवारा, दो पार्ट में कर दिया गया वर्ण को। एक को द्विज कहा गया, और एक मतलब कि तीन जो वर्ण थे, फर्स्ट थ्री वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको द्विज कहा गया। द्विज मतलब डबल बोर्न, जिसका जन्म दो बार होता है। और जो शूद्र था उसको एक जाति कहा गया, इनफैक्ट वोमेन को भी उसमें ही रखा गया। तो वोमेन और शूद्र दोनों को एक जाति कह लीजिए। यहाँ पे आपको लगेगा कि वोमेन कैसे जाति हो गई, तो जाति जब आपको बताएंगे तो हमारे यहाँ जाति मनुष्य को भी जाति कहा जाता है, मनुष्य जाति। इवन अंग्रेज, तो अंग्रेज एक जाति है, और मान लीजिए कोई इटालियन आएगा तो इटालियन जाति हो जाएगा। तो जाति हर मतलब समुदाय को हम लोग जाति कह देते हैं। तो जो एक वोमेन एंड शूद्रा दोनों को एक जाति कहा गया। क्यों कहा गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं सिंपल बता देता हूं। क्योंकि जो तीन वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको माना जाता है कि उनका जब 5-6 साल के बाद
जब वो पैदा होते हैं उनका यज्ञोपवीत संस्कार जिसको जनेयु संस्कार कहते हैं वो किया जा सकता है। और जनेयु संस्कार जब होता है, जब वो विद्या प्राप्त करने के लिए वो घर से जाते हैं, तब असली मायने में उनका सेकेंड बर्थ होता है, जो रियल संस्कार वाला बर्थ है, तब वो संस्कारी बन जाते हैं। इसमें ये बात नहीं थी, मनुस्मृति के एक श्लोक में लिखा गया है, गीता में भी कहा गया है कि जन्म से सभी जो हैं शूद्र पैदा होते हैं। मतलब क्या है शूद्र पैदा होने का? मतलब ये है कि जन्म से सभी जो है असंस्कार होते हैं, मतलब संस्कार रहित होते हैं। जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब उनमें संस्कार आना शुरू हो जाता है। चूंकि शूद्र को और वोमेन को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं दिया गया, उनको एक जाति कहा गया, उनको सिंगल बोर्न कहा गया। इसका मतलब क्या है कि उनको संस्कार रहित ही पूरा जीवन बिताना था। ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, इसीलिए मनुस्मृति काफी कंट्रोवर्सियल हो गया, क्योंकि वोमेन और शूद्र को उन्होंने एक कैटेगरी में रखा और उसको एक जाति कहा, और जो बाकी तीन जो वर्ण थे उनको द्विज या डबल बोर्न कहा, जिसको संस्कार दिया जा सकता है। अब यहाँ पे है कि द्विज के जो है अधिकार ज्यादा थे, उनको प्रिविलेज ज्यादा थे, और जो एक जाति थे उनको काफी सारे रेस्ट्रिक्शन थे, शिक्षा को लेकर के या व्यवसाय को लेकर के, इकोनॉमिक जो रिसोर्स के एक्सेस को लेकर, लाइक दैट। इस वीडियो को छोटा रखने के लिए जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत लाइन बाय लाइन इसको नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने मनुस्मृति वाले अपने वीडियो से इसको लिया है। ब्राह्मणा जो है वो प्रिस्टली या पुजारी क्लास थे, ये हैं, और ये हर समाज में, चाहे वो यूरोप लीजिए, एशिया लीजिए, चाइना लीजिए या पर्सिया, हर जगह एक प्रिस्टली क्लास होता है। वो निगोशिएट करते हैं भौतिक और अभौतिक दुनिया में, जो डे टू डे की दुनिया है और जो पारलौकिक दुनिया है, वही बताते हैं कि धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, गॉड क्या है, इसलिए वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअल पीपल हो गया, स्पिरिचुअल डोमेन की रक्षा करते हैं वो। मनुस्मृति उनको क्या क्या ड्यूटी देता है आप देख सकते हैं, वेद को पढ़ना, जो सेक्रीफाइस रिचुअल कराना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना और लोगों से गिफ्ट लेना। ब्राह्मण को जो है धरती पे भगवान कहा गया, एक भगवान ऊपर है और नीचे उसका जो रूप जो है वो भगवान का, वो भू सुर है, मतलब कि धरती पे सुर है, और वो इपिटॉम ऑफ धर्मा है, स्पिरिचुअल वर्चू है, और बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेज इस क्लास को दिए गए ब्राह्मणा को। इनको कोई टैक्स नहीं लगता था, इनको फ्री लैंड दिया जाता था, टैक्स फ्री लैंड, उसको ब्रह्मदेया कहा जाता है, काफी कन्वर्सेशन में पूछा जाता है ब्रह्मदेया। गिफ्ट दिया जाता था राजाओं के द्वारा, कोई इनको मृत्यु दंड नहीं दिया सकता था, चाहे ये किसी की हत्या भी कर दे तो इनको केवल गांव से निकाला दिया जा सकता था, बैनिशमेंट, और सेम क्राइम के लिए एक्सेप्ट चोरी, चोरी के लिए ब्राह्मण को ज्यादा सजा थी, लेकिन अदर क्राइम करने पे एक ही सजा के लिए ब्राह्मण को कम सजा थी। तो ये सब राइट्स उनको मिले हुए थे। क्षत्रिय जो है वो रूलिंग क्लास थे, ब्राह्मणा के सहयोग से जो है वो टेम्पोरल डोमेन के वो राजा थे, मतलब कि दुनियादारी के रक्षक थे, मिलिट्री क्लास थे, लड़ाकू क्लास थे। उनकी ड्यूटी धर्म तो प्रोटेक्ट करना था पीपल को, गिफ्ट देना था, सेक्रीफाइस करना था, यज्ञ करना था, वेद का जो है स्टडी भी करना था ब्राह्मणों की सहायता से, और उनको जो सेंसुअल प्लेजर से अपने को दूर रख करके ऑस्टर, जो स्पार्टा में जैसे सैनिक होते थे उस टाइप का रोल उनके लिए दिया गया था। अब यहाँ चूंकि वो किंगली क्लास थे, तो जो डिवाइन ओरिजिन किंग का मैंने स्टेट क्राफ्ट में बताया है, ये मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, आप बस पढ़ लीजिए कि कैसे वो किंग को डिवाइन क्रिएशन माना था, चूंकि ये किंगली क्लास थे, किंग के बारे में कहा गया, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। वैश्य जो है वो मेन प्रोड्यूसर क्लास थे, उन्हीं के कंधों पे सवार होकर के ये स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल डोमेन के जो दो क्लास थे वो राज करते थे, प्रिस्टली एंड रूलिंग क्लास। वैश्य मतलब क्या, एग्रीकल्चर करेंगे, ट्रेड करेंगे, आर्टिजन होंगे, पैस्टोरल होंगे, हर्ट्समैन होंगे, सारा वो कार्य करेंगे, धन अर्जित करेंगे और सुख सुविधा जो भी ले सकते हैं लाइफ में, और गृहस्थ जीवन जो है नॉर्मल जीवन जिएंगे। जैसे कि आप समझिए कि ब्राह्मण को जो है एक तरह का जंगल जंगल भटक करके साधु की तरह जो अपना जीवन बिताना है, जो क्षत्रिय है उसको बॉर्डर पे रहना है, लड़ाई करना है, मर जाना है, उस तरह का। लेकिन जो वैश्य है वही गांव में रहेंगे, खेती करेंगे, घर बनाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी और हर तरह का सुख सुविधा लेंगे। तो आपको बिल्कुल जैसे एथेंस में दिखता है तीन क्लास, वैसे यहाँ पे भी दिखते हैं। तो वैश्य वेर द मेन, वैश्य मतलब मेन प्रोड्यूसर क्लास। तो ये सब इसको करना था, इनको गिफ्ट देना था, सेक्रीफाइस भी करना था, इनको भी वेद पढ़ना था, ट्रेड कर सकते हैं, मनी को उधार पे भी दे सकते हैं,
लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं, गाय चढ़ा सकते हैं। इनके ये वेल्दी होते थे, इनका लैंड और प्रॉपर्टी पे राइट्स होता था, स्टेट जो होता था उनके प्रॉपर्टी की रक्षा करना स्टेट का धर्म होता था, किंग का धर्म होता था, ट्रेड से वो टैक्स देते थे, उसी से उन्हीं के पैसे से सारा सुख सुविधा जो है स्टेट का राज्य का चलता रहा, अभी भी चलता है उस समय में भी। तो ये जो मतलब सारा सुख सुविधा आप समझ लीजिए कि वैश्य क्लास पे डिपेंड करता था, और ये सारे प्रिविलेज उनको मिलते थे जो एक द्विज क्लास को डबल बोर्न को मिलता था। शूद्र जैसा मैंने आपको बताया कि वो लगता है कि वो दासा या दासियूज जो कहा गया है ऋग्वेद में, वो पीपुल थे जो डोमिनेटेड थे, जो थोड़े डार्क स्किन थे और वो स्लेव नहीं थे, लेकिन स्लेव जैसा ही उनसे कार्य लिया जाता था, सर्विस लिया जाता था, वैसे वो फ्री सिटीजन थे जैसे और सब हैं और उनको भी राइट्स एंड प्रिविलेजेस थे। वो द्विज नहीं थे जैसा मैंने बताया, एक जाति कहा गया उनको, उनको वेद का पाठ नहीं करने दिया गया मनुस्मृति के अनुसार, उनको जो है यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं करने दिया गया, वो द्विज के लिए सुरक्षित हो गया। उनको जो है रिसोर्स का एक्सेस भी नहीं था और बहुत सारे ऑक्यूपेशन से भी उनको वंचित रखा गया, जैसे ट्रेड करने से या अदर से उनको वंचित किया गया। तो एक तरह का समझिए कि उनको गरीब रखा गया, वो स्लेव जैसा आपको दिखेगा। और जब पनिशमेंट भी उनको सबसे अधिक दिया जाता था सेम क्राइम के लिए, लेकिन थेफ्ट के लिए नहीं, जैसा कि चोरी जो है उसमें उल्टा हो जाता था। मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे कि यदि उनके मास्टर उसको छोड़ भी तब भी वो जो है सेवा से मुक्त नहीं हो सकता, मतलब सेवा करना ही उसका धर्म है। अब यहां पे रुक के जरा सा समझिएगा कि कैसे ये एक तरह कल्चरल हेजमनी था। ब्राह्मणों ने शास्त्र के बेसिस पे ये समझाने में सफलता प्राप्त की सभी वर्ण के लोगों को और सभी जाति, जाति तो उसी का समझिए सब पार्ट माना गया, उसमें ये समझाने में सफलता प्राप्त की आपका पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपके इस जन्म का वर्ण या जाति निर्धारित हुआ है, और यदि आपने इस जन्म में आप जिस जाति या वर्ण में पैदा हुआ हो उसकी ड्यूटी को यदि पूरे मन से नहीं किया और आपने दूसरे के वर्ण के अनुसार ड्यूटी करने की कोशिश की, तो ये अधर्म होगा, सिन होगा, पाप होगा, और उसका आपको दंड ये मिलेगा कि अगले जन्म में आप और बुरे जाति में या मनुष्य जाति से ही बाहर कुत्ते की जाति और बिल्ली की जाति में पैदा होगे। अब इससे समझिए क्या हुआ कि आपको फेट निर्धारित हो गया कि पुराने जन्म के कर्म के अनुसार हमको ये जन्म मिला है शूद्र का, तो आपने रिकंसाइल कर दिया और हम अब शूद्र के रूप में यदि ठीक से काम नहीं किए, सबकी सेवा नहीं किए, तो अगले जन्म हम कुत्ता बन जाएंगे। तो इस तरह की हेजमनी क्रिएट की गई जो ग्राम्स्ची बोलते हैं, जिससे कि हजारों सालों तक बिना किसी कंफ्लिक्ट के एकदम हारमोनियस वे में ये हिरार्की चलती रही, जिसपे कि आश्चर्य पूरी दुनिया को होता है कि कैसे लोगों ने खुद को अपने को शूद्र खुशी खुशी मान लिया और खुद जो है पूरे जीवन भर सेवा करते हुए उन्होंने बिता दिए। तो उसका बेसिस ये था। तो और शूद्र कौन थे, जैसा मैंने आपको बताया, एक तो लगता है कि दास या दासियूज थे, ऑफकोर्स वो आउटकास्ट या दलित नहीं थे क्योंकि इनको वर्ण व्यवस्था के अंदर रखा गया था। जो दलित या कह लीजिए चांडाल भी कहते हैं, अनटचेबल्स कहते हैं, वो तो वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे, वो निषाद लोग थे, फॉलन पीपल थे, जो अम्बेडकर कहते हैं कि वो चूंकि वो इस तरह खाना पीना करने लगे वो बुद्धिस्ट हो गए तो वो फॉलन पीपल हो गए, इसलिए उनको जो है डिक्लेयर कर दिया गया अनटचेबल्स। बहुत सारे उसके ओरिजिन के थ्योरी हैं कि कौन दलित कहाँ से आए, क्या वो ओबीसी अभी के हैं, यादव कोयरी कुर्मी ये हैं, लगता है ऐसा है कि वो शूद्र वो लोग कह सकते हैं, स्लेव तो नहीं कह सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सारी जो दासियूज तो वही हो गया इंडिजिनस पीपल, तो आप मतलब गेस कर सकते हैं कि शूद्रा कौन थे और क्यों उनको शूद्र कहा गया। इस पे कोई एका तो नहीं है, लेकिन ज्यादा मतलब कि इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो लोग इंडिजिनस पीपल थे, नेटिव पीपल थे, जो आर्यन ने इनको सब्जुगेट किया, वो डार्क कलर थे इसलिए उनको दासियूज और उनको जो है शूद्रा वर्ड में उन्होंने डाल दिया। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से ही लोग जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं, लेकिन चूंकि शूद्र को
जो शूद्र वर्ण है उनके लोगों को तो संस्कार प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं दिया गया, तो वो तो हमेशा शूद्र बने रहेंगे और वुमेन को भी। ये स्लाइड आपको ये बताता है कि वर्णा में बहुत उथल पुथल हुई है। ऐसा लगता है कि वर्णा जो है, बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं उससे ये पता लगता है कि वर्ण जो है जात जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। एक डिवीजन ऑफ लेबर था जिसमें कोई भी किसी वर्ण में जा सकता था। जैसे एक श्लोक यहाँ पर ऋग्वेद का श्लोक भी दिया गया है कि ब्राह्मण जो है वो शूद्र बन सकते हैं, बन जाएंगे, और शूद्र ब्राह्मण, इसी तरह क्षत्रिया और वैश्य भी जो है वो चेंज हो सकते हैं उनके वर्ण। एक नाइन्थ मंडला में एक श्लोक है जिसको काफी लोग उद्धृत करते हैं, जिसमें एक परिवार के बारे में कहा गया कि मेरा पिता जो है वो वैश्य है, मेरी माता जो है वो शूद्र है, मेरा भाई जो है वो क्षत्रिय, लाइक दैट। मतलब एक ही फैमिली में सब अलग अलग कर्म करते तो अलग अलग वर्ण के माने जाते हैं। एक वर्ष जो है यहाँ पे लिखा गया है कि इफ शूद्रा सर्व्स द एजुकेटेड वन, इज पोलाइट एंड डिवॉइड ऑफ ईगो एंड स्टेज इन रेस्पेक्टफुल कंपनी ऑफ नॉलेजेबल वन, जो एरिस्टोटल भी कहते हैं, तो वो जो है द्विज का स्टेटस को प्राप्त कर लेते हैं। एरिस्टोटल यही कहते हैं कि यदि स्लेव जो है वो अपने विद्वान जो मालिक है उसके साथ रह के यदि वो वर्चू को प्राप्त कर ले, ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो स्लेव नहीं रहता है। उस तरह शूद्र जो है वो भी ब्राह्मण बन सकता है। एक श्लोक और कहता है कि ही हु हैज नॉट बीन इनिशिएटेड विथ टीचिंग ऑफ द वेदा इज शूद्र, मतलब जिसने वेद नहीं पढ़ा वो शूद्र है। तो शूद्र यहाँ पे एक जन्म आधारित नहीं बल्कि बुद्धू, अनएजुकेटेड, असंस्कारी व्यक्तियों के समूह को जो है वो शूद्र कहा गया, जो लोगों की सेवा करते हैं, जो सर्वाइल नेचर के ही होते हैं, जो सुस्त होते हैं, सोए रह रहे हैं, तो वो शूद्र हुए, ना कि कोई जन्म आधारित। अगला श्लोक कहता है कि ए ब्राह्मण एक्वायर्स ब्रिलियंस थ्रू कंपनी ऑफ नोबल पर्सन एंड अवॉइडिंग बैड कंपनी, ऑन कंट्ररी इफ ही इंडल्जेस इन बैड कंपनी, बुरे लोगों की संगति में ब्राह्मण रहता है तो वो भी शूद्र बन जाता है। आप देख लीजिए क्या कैसे जो है एक शूद्र और ब्राह्मण कोई फिक्स नहीं है। इवन इफ ही इज ए ब्राह्मण अदरवाइज, ए पर्सन हु डज नॉट पोलाइटली रिस्पॉन्ड टू ए ग्रीटिंग इज एक्चुअली ए शूद्र। तो कैसा बिहेवियर, यदि आपका बिहेवियर जो है इगोइस्टिक है, आपको कोई नमस्ते करता और आप नमस्ते नहीं करते, तो आप शूद्र हैं। तो शूद्र एक कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, ना कि एक क्लास को। मतलब कोई भी शूद्र जैसा बिहेव कर सकता है तो शूद्र हो जाएगा। मनुस्मृति ने तो जो बिना को बताया कि सभी जो है जन्म से शूद्र होते हैं और केवल संस्कार से ही जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, केवल थोड़े मैंने दिए हैं। वाल्मीकि हम लोग सब जानते हैं, वो एक अनटचेबल थे, आउटकास्ट थे, लेकिन जो है उनको संत माना गया क्योंकि उन्होंने रामायण की रचना की। उनको ब्राह्मण माना जाता है। रावण, आपको पता है कि जन्म से वो ब्राह्मण थे लेकिन उनको जो है डेमोन या दानव की तरह ट्रीट किया जाता है। विदुर जो है ये शास्त्र में वर्णित है कि वो एक शूद्र के मतलब कि संत थे उनके फादर मदर, लेकिन उनको जो है नोबल क्लास में ट्रीट किया था। ऐसे कई कई उदाहरण है जहां पे कि वर्ण जो है वो टूटता हुआ नजर आता है। लोअर वर्णा के लोग जो है वो भी पंडित की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था हमारी जो है रिजिड नहीं थी, बर्थ आधारित नहीं थी, लेकिन जब जाति में वो कन्वर्ट हुई भी काफी बाद में, जब लगता है मुगलों के काल में और अंग्रेजों के काल में, या कई विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि हमारी जाति व्यवस्था हमेशा से जो है वो फ्लूइड रही, उसमें परिवर्तन होते रहे, लोगों को अधिकार रहे चेंज करने का, लेकिन इसको जो निरूपित किया गया, जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया अंग्रेजों ने और ओरिएंटलिस्ट वेस्टर्न राइटर ने, उससे लगा कि ये रिजिड है। जबकि आज तो रिजिड नहीं हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि रिजिड कभी नहीं रहा हमारा कास्ट सिस्टम, हमेशा उसमें जो है चेंजेस और उसमें मोबिलिटी रही, लोग ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन इसको निरूपित इस तरह से किया गया कि ये एक रिजिड सिस्टम थी। लेकिन इन सब श्लोकों से तो ये लगता है कि वर्ण व्यवस्था तो एटलीस्ट रिजिड नहीं ही थी। अब आइए हम लोग जो है जाति पे चर्चा करते हैं। अभी हम लोग वर्ण पे कर रहे थे, अब हम लोग जाति पे तेजी से करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जाति एक लोकलाइज्ड बर्थ बेस्ड एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो हिस्टोरिकली किसी ऑक्यूपेशन से अपने को एसोसिएट करते हैं। हिस्टोरिकली ऐसा नहीं है कि जो मान लीजिए तेली है तो वो तेल का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हो सकता है एक तेली जाति है,
उनके लोग जो हैं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, लेकिन हिस्टोरिकली उन्होंने जो है वो ऑक्यूपेशन उनके लोग करते थे। एक तो ये है। दूसरा, ये जो जन्म आधारित इसलिए भी है कि ये संस्कृत के वर्ड जाता से निकला हुआ है, इसका जो ऑरिजिन है, जिसका मीनिंग बोर्न होता है या ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, इसीलिए ये जन्म आधारित आइडेंटिटी एंड एसोसिएशन बन गया पीपल का, जात जो है, इसको जात भी कहते हैं, जो कि सीधा इस वर्ड जन्म से आता है। कास्ट यदि आप लीजिएगा, जो थर्ड टर्म है वर्णा जाति इन कास्ट, तो वो एक इंग्लिश वर्ड है जो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड कास्टस से, मैंने आपको बताया, या जिसका मीनिंग होता है प्योर या प्योर रेस, प्योर ब्लड। पोर्तुगीज जो सबसे पहले इंडिया में आए एज ए कॉलोनियल मास्टर, उन्होंने लैटिन से ये वर्ड लिया कास्टा, और ये भी उसी को दर्शाता है जिसको कि प्योर स्टॉक कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं। तो कास्टा को जो है अंग्रेजों ने कास्ट बना दिया, और कास्ट को उन्होंने वर्णा और जाति दोनों ही कहना शुरू कर दिया। कभी वो उसे वर्णा समझते थे, कभी जाति समझते थे। इससे काफी कंफ्यूजन भी हुई, क्योंकि वर्ण और जाति, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों अलग अलग चीज है। अब यहां पे जो है दो डेफिनेशन है, बहुत बड़े बड़े डेफिनेशन, जो कि आपको एकदम अच्छी तरह बताते हैं कि कास्ट या जाति, मैं भी कास्ट या जाति कह रहा हूं, दोनों क्या है। जाति और कास्ट इज ए कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ग्रुप ऑफ फैमिली बियरिंग ए कॉमन नेम, एक नाम है, मान लीजिए एक जाति है, मान लीजिए कुम्हार या केवट, तो एक नाम है, क्लेमिंग कॉमन डिसेंट फ्रॉम ए मिथिकल एंसेस्टर। ऑलवेज जो है ब्राह्मणों ने उनको बताया कि तुम इस मिथिकल एंसेस्टर, तुम्हारे उसी से सब पैदा हुए हो, ह्यूमन और डिवाइन, वो ह्यूमन हो सकता है, डिवाइन होता है, एक मिथिकल है, एक पर्टिकुलर हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है जो वो उनके कभी पूर्वज किया करते थे, अभी भी कुछ लोग करते हैं, जरूरी नहीं अभी, लेकिन ये उस ऑक्यूपेशन को करने वाले लोग थे हिस्टोरिकली, मतलब वो केवट थे तो नाव चलाते थे उनके लोग, एंड दे रिगार्डेड एज फॉर्मिंग ए सिंगली होमोजीनियस कम्युनिटी, और एक जैसे होमोजीनियस कम्युनिटी है जिसमें ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल को जो एक लोकलाइज्ड फिनोमेना है एक पर्टिकुलर गांव या एक क्षेत्र में डिफरेंट जाति, इसको जाति कहा गया। ये जो एम एन श्रीनिवास का डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। जाति इज ए हेरिडिट्री, देखिए हेरिडिट्री है बाय बर्थ, इंडोगेमस मतलब शादी जो है अपने में ही होती है, ग्रुप विच इज यूजुअली लोकलाइज्ड, ये कोई नेशनल नहीं है, हर रीजन में जाति का अलग अलग मीनिंग है। एक रीजन में यदि कोई बनिया है जाति तो वो नीची जाति माना जाएगा, दूसरे रीजन में बनिया ऊंची जाति का माना जाएगा, ऐसा भी है। इट हैज ए ट्रेडिशनल एसोसिएशन विथ एन ऑक्यूपेशन, ट्रेडिशनल एसोसिएशन, कोई रियल नहीं, हिस्टोरिकल, एंड ए पर्टिकुलर पोजिशन इन द लोकल हायरार्की, और लोकल हायरार्की में उसका पोजिशन अलग है। जैसे जाट जो है हरियाणा में वो काफी ऊपर है, कई बार वो ब्राह्मण से ऊपर होते हैं, लेकिन दूसरी जगह जाट जो है वो रिलेशन बिटवीन कास्ट आर गवर्न्ड अमॉन्ग अदर थिंग बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन प्योरिटी, ये भी जो है ड्यूमोंट ने भी कहा है, मैं आगे भी बताऊंगा आपको, पॉल्यूशन प्योरिटी से, मतलब कि कौन कास्ट कितना प्योर है, ये इससे डिटरमिन होता है कि उसका ऑक्यूपेशन कितना प्योर या इम्प्योर है। जैसे देखिए कोई चमड़े का काम कर रहा है तो उसको नाम दे दिया गया उस कास्ट को चमार, और कहा गया कि नहीं ये तो बहुत इम्प्योर है। कोई यदि बाथरूम साफ कर रहा है तो उसको इम्प्योर कह दिया गया। कोई यदि मान लीजिए माली है और वो भगवान के लिए फूल चुनता है लाता है तो चलो ठीक है तुम ऊपर हो, लाइक दैट। इस तरीके से जो है प्योर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट बनाया गया, ब्राह्मण को सबसे प्योर माना गया और नीचे के जो जाति थे उनको जो है इम्प्योर माना गया। इम्प्योर प्योर के बेसिस पे खान पान भी डिसाइड हुआ कि यदि आप इम्प्योर जात के हो तो आप मांस खा सकते हो, मछली खा सकते हो, मटन खा सकते हो, जो प्योर यदि आप हो, ज्यादा प्योरिटी आप में है तो आपको सात्विक खाना खाना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है वो कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गई। तो यहाँ पे कॉमेंसिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, पॉल्यूशन प्योरिटी एंड कॉमेंसिलिटी, मतलब क्या हो गया कि मतलब कि रोटी का संबंध, साथ बैठ के किसके खा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जात जो है वो रोटी बेटी के संबंध को बताता है, आप किस को किसके किस समूह में अपनी बेटी दोगे और किसके साथ रोटी तोड़ोगे, यही जाति को जो है निर्धारित करता है। तो इंटर डाइनिंग विथ अदर कास्ट नहीं होने लगे, मतलब अपने ही कास्ट में बेटी भी देना है, अपने ही कास्ट में रोटी भी तोड़ना है,
और वो पॉल्यूशन प्योरिटी पे बेस्ड है, एक स्पेसिफिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, होमोजीनियस समूह है जो बर्थ आधारित है, जो हिस्टोरिकली एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को करता आया है या माना जाता है, और उसकी एक पर्टिकुलर रीजन में हायरार्किकल पोजीशन फिक्स्ड है, इसको जाति कहा गया। अब इससे जो है निकल के बहुत सारे फीचर्स आते हैं, अगेन ये बहुत रिपीटेशन होता है, ये एस्क्रिप्टिव है। एस्क्रिप्टिव मतलब होता है बर्थ आधारित, मतलब मेंबरशिप जाति का जो है वो बर्थ से है, कर्म से नहीं है, इस मायने में ये यूनिक है। हायरार्किकल है, आपका कास्ट में हायरार्की फिक्स है और वो भी रीजनल हायरार्की है, मतलब एक रीजन में जो कास्ट की हायरार्की है वो दूसरे रीजन में कास्ट हायरार्की से अलग है। दोनों इंडोगेमी एक्सोगेमी दोनों होता है, मतलब आप अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो कास्ट में, मतलब हर कास्ट का अलग अलग क्लैन सिस्टम है, जैसे मान लीजिए भारद्वाज है, वत्स है, तो उसमें आप शादी नहीं कर सकते क्लैन में, लेकिन करना है आपको अपने कास्ट में। मान लीजिए इस कास्ट में 3 क्लैन है, तो इस क्लैन के लोग अपने क्लैन में नहीं करेंगे लेकिन कास्ट से बाहर नहीं जाएंगे, तो बोथ इंडोगैमी एक्सोगैमी है। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन एक जमाने से हिस्टोरिकल, उससे उनका नाता है। कॉमेंसलिटी है, मतलब साथ में बैठ करके खाना खाने की, आपस में कास्ट में होती है, दूसरे कास्ट में नहीं होती है। नोशन ऑफ प्योरिटी पॉल्यूशन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक खास कस्टम, ड्रेस और स्पीच, आप देखेंगे एक जाति के लोग अलग तरह का पहरावा है, खान पान है, सोच विचार है, करेक्टरिस्टिक है, उनको उस ढंग से ट्रीट किया जाता है कि उनकी सोच ऐसी होगी। डिसेबिलिटी एंड प्रिविलेजेज इंजॉयड बाई डिफरेंट जाति, हर जाति को अलग अलग राइट्स एंड प्रिविलेजेज हैं समाज में, जो कि लोकली डिसाइड होते हैं। लोकल एंड रीजनल वेरिएशन तो जाति सिस्टम में भरे हुए हैं, एक पैन इंडिया फिनोमेना नहीं है। ये ग्रेडेड इनइक्वलिटी है जिसको अंबेडकर ने एक्सप्लेन किया, मतलब इनका कहना है कि बड़ा अजीब सा इनइक्वलिटी है, मतलब एक कास्ट है मान लीजिए यादव जात, तो वो जो है दलित को सताएगा, दलित पे शासन करेगा, और खुद जो है शासित जो है वो मान लीजिए राजपूत से हो रहा है, राजपूत खुद जो है हो सकता है ब्राह्मण से हो रहा हो, तो हर कास्ट या जाति जो है वो ऑपरेसर भी है, ऑपरेस्ड भी है, डोमिनेटेड भी है, डोमिनेट भी करता है। ये ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, मतलब कि आपके केवल एक ब्राह्मण को छोड़ दो और इधर नीचे में यदि आप आउटकास्ट दलित को ले लो तो बाकी सब जो है दोनों ही है, मतलब वो बीच में है, वो ऑपरेशर ऑपरेसिव भी है और ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड भी है, और डोमिनेटेड डोमिनेटेड भी हैं, एक्सप्लॉयटर एक्सप्लॉयटेड भी हैं, लाइक दैट। इसको ग्रेडेड इनइक्वलिटी अंबेडकर ने कहा। इसके अलावा अंबेडकर जी ने बहुत और इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबरर हो जाता है, मतलब आप डिवीजन ऑफ लेबर तो सही है लेकिन आपने तो श्रमिकों का ही विभाजन कर दिया और वो बर्थ आधारित कर दिया, उसको ग्रेडेड कर दिया। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि इसको रिलीजियस सैंक्शन है, ये रिचुअल एंड रिलीजियस सैंक्शन है, ये कोई मतलब नॉर्मल कोई डे टू डे या मुंडेन या टेम्पोरल जो है डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, मतलब कि आप यदि अपनी जाति के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। जाति जो है इसके कई कई मायने हैं, मैं आपको राष्ट्र और राज्य जब पढ़ाऊंगा तो बंगाल और कई जगह पे जाति जो है वो देश को भी निरूपित करता है। जब आपको कोई पूछता अंग्रेजों के टाइम में कि आपका देश क्या है, तो कोई बोलेगा मेरा देश जो है वो हमारी जाति है, जो भी जाति का लोग बोलेगा मैं इस जाति का हूं तो मेरा ये देश है, तो वो राष्ट्र को भी जो है निरूपित करता था। कई कई जैसे आपको मैंने बताया कि मनुष्य जाति, नारी जाति, तो जाति जो है वो किसी भी एक समूह जो लोगों का है, जो एक खास करेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको निरूपित करने के लिए जाति का उपयोग होने लगा। अब यहां पे वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं जो कि जिसका अभी तक कोई खास आंसर नहीं मिला है, हर थिंकर और इस पे बहुत रिसर्च हुई है लेकिन किसी एक जगह पे नहीं पहुंच पाए कि कैसे वर्ण और जाति का ओरिजिन हुआ। मुझे जितनी समझ में आई मुझे ये लगता है कि ये जो थ्री फोल्ड डिवीजन जो सोसाइटी का था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो तो आर्यन को करना ही था क्योंकि उनको अपने समाज को चलाने के लिए तीन लोगों की हमेशा जरूरत पड़ती है, एक जो कि प्रिस्टली क्लास हो, जो निगोशिएट करे उस वर्ल्ड और इस वर्ल्ड को और शिक्षा उक्षा दें, दूसरे क्लास की जरूरत पड़ती है जो राजकाज करे, रक्षा करे, और उसी इन दोनों क्लास को जरूरत पड़ती है तीसरे, जो प्रोड्यूसर क्लास होता है, ये एकदम यूनिवर्सल है। चौथा जो है मुझे लगता है कि जो डार्कर स्किन के जो दासियूज जो कहा गया है,
जिन पे उन्होंने डोमिनेट किया यहां आने के बाद इंडस वैली में, उसको उन्होंने शूद्र कहा, मुझे ऐसा लगता है। बाद में जो है इन चार वर्ण के अलावा जो लोग आए, चाहे वो निषाद आए, अखेटक आए, मलेच्छ आए, दूसरे लोग आए, जिनको या फॉलन पीपल, उनको उन्होंने जो है अनटचेबल्स या चंडाल के श्रेणी में रख दिया कि उनको आपको हम वर्ण से ही बाहर निकालते हैं। जाति जो है, मुझे ऐसा लगता है जितना मैं समझ पाया हूं इन लोगों को पढ़ के, कि वो वर्णा में जो शादियां हुई हैं अनुलोम और प्रतिलोम, उस तरह के शादियों से, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच, क्षत्रिय शूद्र के बीच, ब्राह्मण शूद्र के बीच, उससे इंटरमिंगल होकर के, और प्लस जब इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी सोशल स्ट्रक्चर में, जहां डिफरेंट ऑक्यूपेशन को लोग करने लगे, कुछ लोग बर्तन बनाने लगे, कुछ लोग नाव चलाने लगे, कुछ लोग जो है धोने का काम करने लगे, कपड़े धोने का काम करने लगे, कुछ लोग बाल काटने का करने लगे, तो डिफरेंट ऑक्यूपेशन से और जमीन से जुड़ने का जो अलग अलग तौर तरीका था, कौन जमीन को ओन कर रहा है, कौन जो है उस पर कार्य कर रहा है, इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के चलते, जो मार्क्स भी कहते हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन ऑफ, जिसको रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कहिए, सोशल स्ट्रक्चर पैदा हुई, जिसमें कि ऑक्यूपेशन के आधार पे एक खानदानी जो है, कोई यदि कुम्हार है तो अपने बच्चे को कुम्हार ही सिखा रहा है, वो गुड़ सिखा रहा है और धीरे धीरे लोग उसको कुम्हार के रूप में कहने लगे, कोई नाई है तो अपने बच्चे को नाई का ही काम सिखा रहा है, और वहां पे वो जजमानी सिस्टम डेवलप हो गई गांव में, कि एक नाई है तो उसके पूरा गांव जो है उसको नाई का काम लेता है, उसको अनाज देता है, पैसे देता है, कोई पंडित है तो उससे पुरोहित का काम लेता है, उसको पैसे देता है, तो इस तरह से एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बनी और उससे ये कास्ट व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ होती चली गई और एक तरह का बर्थ आधारित हो गया, इसी से जाति जो है निकली। और चूंकि हर रीजन में अलग अलग तरह के जो ऑक्यूपेशन थे, अलग अलग तरीके इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए हर रीजन में अलग अलग तरीके से जाति का उदय हुआ और जाति का जो रिलेशन भी जो बना वो भी इंटरेक्शन, जो कास्ट सिस्टम कहते हैं, वो भी यूनिक रहा हर रीजन में। अब यहां पे मैं दो थिंकर को ले रहा हूं, जो एक तो आप में, आपके सिलेबस में भी है, दीपांकर गुप्ता की आपको पढ़नी है फ्रॉम वर्णा टू जाति, द इंडियन कास्ट सिस्टम फ्रॉम एशियाटिक टू फेडरल मोड ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने ओरिजिन पे अपना जो थॉट दिया है, उनका कहना है कि ये मार्क्स के अनुसार है, जहां एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स ने उसको कहा था, जहां पे कि सारा जमीन जो है वो राजा का है, रूरल का है, और सभी लोग जो हैं वो सरप्लस जो भी लेबर उसका होता है वो सब खा जाता है राजा, और लोग जो हैं अपना बस सबसिस्टेंस में जीते हैं, और सब लोग अपने आप में संपूर्ण है, कोई मतलब कि काम का कोई खास बंटवारा नहीं है, ऑक्यूपेशन जो है वो भी अलग अलग नहीं है, क्योंकि कोई भी कोई कार्य कर सकता है, और सरप्लस जो मतलब खेती का कार्य, और सरप्लस लेबर जो है राजा ले जाता है। तो इनका कहना है दीपांकर गुप्ता का, जब तक पूर्व वैदिक काल में जब आर्यन यहां पे आए, तो शुरू में एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन था, उस मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन था उसको वर्णा जो है निरूपित करती है। चूंकि वहां पे गांव में जो भी वर्ण के लोग थे, चाहे वो शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब कोई खेती कर सकते थे और अपने आप में परिपूर्ण थे, इसीलिए कोई वहां पे जाति डेवलप नहीं हुई। बाद में उत्तर वैदिक काल में और आगे जो है, ये जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, दीपांकर गुप्ता जी का कहना है कि वो फेडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में बदल गई, सामंतवादी जो जो व्यवस्था है उसमें बदल गई। वहां पे अब किंग और एक फार्मर के बीच में एक लेयर जो है, सामंत, बड़े राजा, छोटे राजा, जमींदार आ गए। अब वहां पे क्या हुआ कि इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के चलते अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग गांव में रहने लगे। अब खेती कोई एक आदमी कर रहा है, कुम्हार का काम कोई दूसरा कर रहा है, धोबी का काम कोई तीसरा, चमार का काम कोई चौथा, केवट का काम कोई पांचवा, नाई का काम कोई छठा, इस तरह से जो है वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस आ गए हर, और वो चूंकि बर्थ आधारित इसलिए होता था क्योंकि उसमें हुनर था, बाप अपने बेटे को सिखा रहा है, तो वो एक क्लैन में बन गई, आपस में वो शादी करने लगे, जिससे कि वो अपने हुनर को अपने पास रख सके, और इकोनॉमिक जो है वो एक गिल्ड जैसा जो है वो कास्ट गिल्ड बनने लगा, और उससे जो है हजारों जातियां पैदा हुई, दीपांकर गुप्ता जी का कहना है। तो नट सेल में ये एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है
जिसके तौर पे उनका कहना है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुई तो सोशल स्ट्रक्चर भी बदला। जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन रिप्रेजेंटेड वर्ना सोशल स्ट्रक्चर, वर्ना बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर, वेयर एज द फेडल प्रोडक्शन मोड ऑफ प्रोडक्शन वॉज मैनिफेस्टेड इन जाति सिस्टम, जाति व्यवस्था। निकोलस डर्क जो है उन्होंने एक बुक लिखा 2001 में, कास्ट ऑफ माइंड, कोलोनियलिज्म एंड मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस बुक में उन्होंने ये थ्योरी दी कि कास्ट सिस्टम जो हमें शास्त्रों में मिलता है या हम पढ़ते हैं वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी जो है वो हमेशा फ्लूइड रही। रियलिटी कोई हम जानते भी नहीं किस टाइप से कास्ट सिस्टम हजारों साल इंडिया में चला। जो हम अभी जानते हैं कि हजारों साल चला वो अंग्रेजों ने अपने इथनोग्राफर के थ्रू, अपने थिंकर बर्नियर जैसे और कई कई लोग जैसे जिनको लगाया उन्होंने कास्ट सिस्टम का अध्ययन करने में, उन्होंने जो बुक लिखा और उन्होंने जो बताया उसी के आधार पे कास्ट सिस्टम को दुनिया ने जाना और इंडियन ने भी उसी को मान लिया। तो इनका कहना है कि कास्ट सिस्टम इज ए इन्वेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश ने जिस तरीके से कास्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट किया अपने किताबों में, आर्टिकल में, एसे में, उसी से हम जाने कि पहले वर्णा थे, फिर जाति हुए, जाति रिजिड हो गया, उसमें पॉल्यूशन प्यूरिटी है, उसमें हिरार्की है। तो ये एक तरह का निकोलस डर्क का कहना है कि कास्ट सिस्टम को सबस्टेंशिएट किया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने और उसको बताया कि ये है। सही में क्या है, हो सकता है कि बहुत डिफरेंट हो, बहुत फ्लूइड हो, बहुत उसमें मोबिलिटी हो, ये उनका कहना है। मतलब एक तरह से कॉलोनियल क्रिएशन है जिस कास्ट सिस्टम को हम जानते हैं, और इसको कई विद्वान जो इंडियन कल्चर को जो तवज्जो देते हैं वो निकोलस डर्क के इस बात से सहमत भी हैं कि हमारी कास्ट सिस्टम को जिस तरीके से बताया गया कि ये काफी रिजिड है, ये काफी एक तरह से दकियानुसी है, कंजर्वेटिव सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, इसमें पॉल्यूशन प्यूरिटी छुआछूत है, इसमें दबाया गया दलितों को, मतलब डोमिनेट किया गया, शायद वो हमारे कल्चर को एक तरह से डेनिग्रेट करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, जो एडवर्ड सेड भी कहते हैं ओरिएंटलिज्म की, ओरिएंटल थिंकर या वेस्टर्न थिंकर हमारे कल्चर्स, हमारे जो सिविलाइजेशन को स्टडी इसलिए नहीं करते कि वो उसको समझ पाए, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमें नीचा दिखा सके अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो निकोलस डर्क का ये बात को कई लोग मानते हैं कि शायद कास्ट सिस्टम एक मेंटल क्रिएशन है और थियोरेटिकल क्रिएशन है इंग्लिश कॉलोनियल रूल का, जो ज्यादा इस बात पे आधारित था कि हम कैसे कास्ट सिस्टम को समझें और उसके बेसिस पे हम एक तरह से डिवाइड एंड रूल करें, शासन करें, गवर्नेबल बनाएं इस जनता को। अब जो तीसरा जो टर्म है कास्ट, चलिए उसको देखते हैं। ये वीडियो लंबा होते जा रहा है, आई होप कि आप मुझे अलाउ करेंगे कि एक ही वीडियो में हम इसको खत्म कर दें। देखिए कास्ट जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये लैटिन का वर्ड जो कास्टस है उससे वो निकलता है, जिसका मायने प्योर होता है। ये पुर्तगीज वर्ड जो कास्टा है उससे भी आता है, इनफैक्ट इंडिया में उसी से आया है, वो भी एक तरह का लैटिन से ही लेता है, जिसका मीनिंग होता है रेस, लीनियज और प्योर स्टॉक। द वर्ड कास्ट वॉज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द हिंदी वर्ड वर्णा एंड जाति। तो इंग्लिश मैन ने क्या किया, अंग्रेजों ने इसको कास्ट को, वर्णा को भी कास्ट कहा, जाति को भी कास्ट कहा, इसे बहुत कंफ्यूजन भी हुई। कॉलोनियल मास्टर एंड ओरिएंटलिस्ट राइटर अंडरस्टूड कास्ट एज ए एस्क्रिप्टिव हायरार्किकल सोशल ऑर्डर ऑफ नेटिव इंडियन बेस्ड ऑन पॉल्यूशन एंड प्यूरिटी। ये तो बहुत ही सिंपल बात है जो अभी तक हम कह रहे हैं। उन्होंने यही समझा और यही हम लोगों को समझाया कि कास्ट जो है जन्म आधारित है, हायरार्किकल सोशल ऑर्डर है, जिसमें कि पॉल्यूशन प्यूरिटी पर आधारित है और छुआछूत पर आधारित है, क्लोज सिस्टम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, ऐसा लगता है कि वही कॉलोनियल जो थॉट था कि एस्क्रिप्टिव हायरार्किकल सोशल ऑर्डर प्यूरिटी, उसी को आगे बढ़ाया, कास्ट वर्ड को ही रखा, और कास्ट को क्लास से जो है उन्होंने कंफ्यूज किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे आप देखेंगे सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज वहां लिखा गया है, वहां कास्ट नहीं लिखा गया, आर्टिकल 340 एंड
333, बहुत सारे आर्टिकल में आप देखेंगे एससीबीसी का जिक्र है। ये भी है कि प्रेसिडेंट जो है एससीबीसी के उत्थान के लिए जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाएंगे। वो कमीशन बनी भी, काका कालेलकर पहली बनी, मंडल तो बहुत फेमस 90s में बनी जिसपे मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो है मंडल की रिजर्वेशन रूल लागू हुई, जिसको मंडल कमीशन आयोग के सिफारिश के आधारित रिजर्वेशन पॉलिसी कहते हैं ओबीसी के लिए। उन लोगों ने क्या किया, इन कमीशन ने क्लास को कास्ट बना दिया। तो उन्होंने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बजाय कास्ट कह दिया। तो ये सारे कंफ्यूजन हमारे यहां क्रिएट हुए हैं। मतलब कास्ट जो है, पहले तो वर्ण और जाति को एक कर दिया, उससे कंफ्यूजन हुई। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लास और कास्ट में कंफ्यूजन छोड़ दिया, जिसको कि बैकवर्ड क्लास कमीशन ने कास्ट बना दिया और कास्ट आधारित जो है वो रिजर्वेशन हो गए। तो ये सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए हैं। यदि कास्ट सिस्टम का फीचर देखें, अब मैं कास्ट मतलब वर्ण जाति दोनों को अब मिला लीजिए, तो एक तो है कि ये रीजनल और लोकल सिस्टम है, मतलब ये कोई पैन इंडियन नहीं है। हाईली फ्लूइड सिस्टम है, इसमें मोबिलिटी होती रहती है इंटरमीडिएट क्लास में। यहाँ पे जो है रिचुअल जो स्टेटस है और जो टेम्पोरल स्टेटस, दोनों में फर्क है। जैसे हरियाणा के एक विलेज में एमएन श्रीनिवास जो है वो अध्ययन करते हैं कास्ट स्ट्रक्चर का, तो ब्राह्मण जो है रिचुअली हाईएस्ट स्टेटस है वहां भी, लेकिन वो इतने गरीब हैं कि जो वहां पे जाट होते हैं वो सबसे पावरफुल है, डोमिनेंट कास्ट है, और कई बार ब्राह्मण के हाथ से पानी नहीं पीते वहां पे जाट। ऐसा एमएन श्रीनिवास और कई जगह और भी लिखा गया, कई जगह पे डोमिनेंट कास्ट जो है वो रिचुअली हाईएस्ट कास्ट नहीं है, ब्राह्मण नहीं है या इवन क्षत्रिय नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए, ये एमएन श्रीनिवास ने कॉन्सेप्ट दिया डोमिनेंट कास्ट का, कि हर रीजन में एक डोमिनेंट कास्ट है जो अलग है ब्राह्मण या क्षत्रिय से हो सकता है। इसके अलावा कास्ट जो है एक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का सिस्टम है जो कि अब टूट चुका है। मतलब हर कास्ट जो है उसका दूसरे कास्ट से कुछ अधिकार और कर्तव्य से उसका जुड़ाव है, जिसको जजमानी सिस्टम इकोनॉमिक व्यवस्था के रूप में भी उसको देखा गया। एम एन श्रीनिवास ने जो है, जो एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, एक कॉन्सेप्ट दिया संस्कृताइजेशन का, उसे जुड़ा हुआ वेस्टर्नाइजेशन। उनका कहना था कि कास्ट में जो मोबिलिटी होती है वो उसका जो एक तरीका है वो संस्कृताइजेशन है। उसमें जो लोअर कास्ट है वो हायर कास्ट के जैसा वो ड्रेस पहनने लगता है, फूड अपनाने लगता है, वो नॉनवेज नहीं खाएगा, वो जनेऊ पहनने लगेगा, वो शास्त्र का पाठ करेगा, वो ड्रेस भी उसी ढंग से पहनेगा, धोती या नदर, जिससे कि अपने को वो कुछ दशकों में 50, 100, 150 साल में वो कास्ट अपने को हायर कास्ट में डिक्लेयर कर देगा। और ये जनरली जो है तब होता है जबकि कोई कास्ट न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी में है, उसको इकोनॉमिक एक्सेस मिल जाता है, तो वो अपने को जो है संस्कृताइज कर लेता है और वो ऊपर चला जाता है। इसका उल्टा होता है, डीसंस्कृताइजेशन से कोई ऊपर वाला कास्ट जो है वो नीचे भी आ जाता है, यदि वो खान पान ड्रेस वो नीचे जाति वालों की तरफ फॉलो करने लगे, फॉलन हो जाए। सेम थिंग वेस्टर्नाइजेशन से भी हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन से भी लोग ऊपर, कास्ट मोबिलिटी हुई है, अर्बनाइजेशन से भी हुई है। और ऐसा आपको दिख भी सकता है, अभी देखिए कौन इंजीनियर बनता है, डॉक्टर लॉयर बनता है, क्या उसके ऑक्यूपेशन से मतलब है? उसमें दलित भी हो सकते हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें क्षत्रिय भी हैं, उसमें कोई भी कास्ट हो सकता है। ये मोबिलिटी जो है हुई है मॉडर्न काल में। वर्ण और जाति को कास्ट ने कंफाउंड किया है, जो मैंने आपको बताया कि वो वर्ण को भी निरूपित करता है और जाति को भी। कास्ट की जो कॉन्सियसनेस है ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप होश संभालते हैं तो आपको सुनने को मिलता है कि आप इस जाति के हैं, और वो आपके जहन में बस जाता है। आपको स्कूल में हो सकता है टीचर जो है बताए कि अरे तुम तो इस जाति के हो, अच्छे या बुरे रूप में। आपको दोस्त बोले, आपको कहीं पे ये बताया जाए कि अरे इसके साथ मत खाना क्योंकि वो इस जाति का है, या आपको कहा जाए कि तुम जाति का सर्टिफिकेट दो दो तुम्हें रिजर्वेशन मिलेगा, तो आप कंसियस हो जाते हैं कि शायद हमें कुछ प्रिविलेजेज है, हमारे कुछ अधिकार हैं, या हमारा कुछ जो है समाज में कोई स्थान है जो निर्धारित इस बात से होता है कि हमने किस
जाति में जन्म लिया है। ये कास्ट कंसियसनेस है, ये आभास है, ये आपको एक आइडेंटिटी देता है और वो काफी आपके जीवन को जो है वो एक तरह से प्रभावित करता है। आप देखिए कि कितनी कास्ट कंसियसनेस कैसी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार आपने देखा होगा उन्होंने कहा है कि मैं तो नीची जाति का हूं तो मुझे लोग ऐसा कहते हैं। हमारे राष्ट्रपति तक जो है कहते हैं हम दलित हैं तो हम दलित से आए हैं, कोई कहते हैं हम ट्राइबल हैं तो ट्राइबल से आए, मतलब जो इतने ऊंचे पदों पर हैं उनको भी ये कंसियसनेस होता है कि वो इस जाति के हैं। तो समझिए कि एक नॉर्मल जो डे टू डे में कैसे आप फील करेंगे, ये इतनी सबल जो है एक कंसियसनेस है। यदि हम कास्ट सिस्टम का रूप देखें वो कैसे बदल रही, तो ट्रेडिशनल सिस्टम जो राइट्स ऑब्लिगेशन का वो टूट चुकी है, अधिकतर खत्म हो गए। जजमानी सिस्टम खत्म हो गया है, गांव में कौन कास्ट किसके लिए क्या कार्य करता है वो खत्म हो गए हैं। इससे हुआ क्या है कि कास्ट एक एटोमिस्टिक टाइप का, पहले क्या था कास्ट ऐसे थी एक दूसरे से सब बंधे हुए हैं, मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से सब जो है सबको एक दूसरे का ध्यान रखना है, लिंकेजेज है। वो लिंकेज जब टूट गई तो फिर जो है कास्ट कंफ्लिक्ट और वायलेंस शुरू हो गया। अब दलित जो है वो अपने को एजर्ट कर रहे हैं कि हम घोड़े पे क्यों नहीं चढ़ेंगे। आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले दलित जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था हम घोड़ी पे नहीं चढ़ेंगे, हम ठाकुर के घर से निकलेंगे तो पैदल निकलेंगे, जूते पे नहीं जाएंगे, कोई लड़ाई नहीं। वो उस पे उसको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, अच्छा ठीक है शादी कर ले। अभी कोई मूंछ पे ताव देता है वो घोड़ी पे चढ़ता है गोली चल जाती है। ये चीजें हुई है क्योंकि अब वो जो है कास्ट की कंसियसनेस है, लेकिन आपस में जो इंटरेक्शन था, आपस में जो जुड़ाव था, इंटरडिपेंडेंस था, इकोनॉमिक लिंकेज था, जजमानी सिस्टम सब टूट गया है। डेमोक्रेसी, रिजर्वेशन सिस्टम और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन तीनों ने अलग अलग तरीके से जो है कास्ट को एक नई आइडेंटिटी और नया जो है यूटिलिटी दे दिया है। अब आपको लगने लगा है कई लोगों को कि तो बहुत अच्छा है, हम तो दलित हैं तो हमें रिजर्वेशन मिल रहा है। अच्छा ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे कास्ट के तो बहुत लोग हैं, यदि हम चुनाव में खड़े हो जाए तो हमें वोट मिलेगा। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन ने कास्ट को एक नए रूप में सामने ले आया है और उसकी यूटिलिटी जो है अब अलग हो गई है। इससे क्या हुआ है, कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है और पॉलिटिक्स में जो है कास्ट घुस गया है। सो कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स हो गया और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हो गया है। इसको मैंने एक अलग वीडियो बनाया इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, और इस पर रजनी कोठारी ने काफी काम किया है। इसके अलावा एक और डाइकोटमी या कंट्राडिक्शन दिखती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह पे है, वो कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर नहीं किया जाएगा, वो कहता है कि अनटचेबिलिटी एक अब अपराध है उसको मानना सभी, लेकिन जो रियल लाइफ में जो है कास्ट एक रियलिटी है। अभी भी दलितों पे घोड़ी चढ़ने पे मूछ रखने पे गोली चलती है, अभी भी मंदिर में कई जगह जो है उनको जाने से रोका जाता है, अभी भी छुआ छूत जो है गांव में लोग उसको फॉलो करते हैं, और अभी भी कास्ट जो है एक क्रूड फॉर्म में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन में अलग तरीके से सामने आता है। उसको बार बार जो है अपनी कास्ट की आइडेंटिटी को, चाहे वो कोई प्यून हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, सभी लोग उभारते हैं यदि उनको लगता है कि इससे उनको किसी भी तरह का कोई फायदा हो रहा हो। तो कास्ट कंसियसनेस एंड कास्ट आइडेंटिटी एक रियलिटी अभी भी हमारे सोशल लाइफ का है, लेकिन उस तौर पे नहीं जो पहले थी, अब एक दूसरे तौर पे, रिजर्वेशन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड जो न्यू जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें कास्ट एक अलग तरीके से आइडेंटिटी के रूप में सामने आता है। अब फाइनली यदि हम देखें तो वर्ण और जाति के बीच में इतनी डिस्कशन के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक तरह से रिपीटेशन, वर्ण फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन पर्सनल एप्टीट्यूड क्वालिटी एंड सोशल नीड है, जबकि जाति जो है लोकलाइज बर्थ बेस्ड सोशल ग्रुप एसोसिएटेड विद सम ऑक्यूपेशन जो हिस्टोरिकल होता है एंड हैविंग स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक, होमोजीनियस ग्रुप को माना जाता है जो लोकलाइज है, केवल चार वर्ण है कोई पांचवा नहीं, जबकि थाउजेंड ऑफ जातीज हैं। ये हेरिडिटरी लगता है नहीं था, जबकि जाति हेरिडिटरी हो जाती है। ये एक तरह का पैन इंडिया थ्योरिटिकल सोशल फ्रेमवर्क देता है, जबकि ये लोकलाइज रीजनल जो रियल प्रैक्टिकल सोशल सिस्टम को निरूपित करता है। जाति डिफरेंट जाति सीम टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटरमिक्सिंग ऑफ वर्ना थ्रू हाइपरगेमी हाइपोगेमी,
जो आपस में शादी होती है, लोअर वर्णा अपर वर्णा, अपर वर्णा लोअर वर्णा, उसके शादियों से जो है, इंटरमिक्सिंग से जो है डिफरेंट जातियां पैदा हुई हैं, या कह लीजिए ऑक्यूपेशनल कम्प्लेक्सिटी या इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे हुई, उससे हर जाति जो है अपने को किसी ना किसी वर्णा से एसोसिएट करता है। आप किसी को भी पूछिए कि आप किस वर्ण के हो, तो आपको एसोसिएट कर लेगा चार में से। वर्णा जो है ज्यादा रिचुअलिस्टिक है, स्पिरिचुअल है, और यहां दो बार आगे रिलीजियस कह लीजिए, रिलीजियस है फिनोमिना है, जबकि जाति जो है ज्यादा टेम्पोरल, मुंडेन एंड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ज्यादा रियल प्रैक्टिकल है। तो इसीलिए वर्णा फाइनली मोर थियोरेटिकल और बुकिस कॉन्सेप्ट है, जबकि जाति इज द रियल एंड प्रैक्टिकल जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है, ना कि वर्ण। यदि हम फाइनली देखें थिंकर्स, मैं हमेशा देता हूं, ये आपको बहुत हेल्प करता है कंपिटिटिव एग्जाम में। इसलिए जो मेरे स्टूडेंट अभी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए देख रहे होंगे सिविल सर्विसेज ज्यादा, उनके लिए या यूजीसी नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एम एन श्रीनिवास इंडियन सोशियोलॉजिस्ट बहुत फेमस रहे हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उन्होंने ऐसे लिखा था कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, मैंने इसको पढ़ा है पूरा आपके लिए और पहले भी पढ़ा था, एंड डोमिनेंट कास्ट। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया संस्कृताइजेशन का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सोशल मोबिलिटी, और उन्होंने डोमिनेंट कास्ट का भी जो है कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये बताया कि जो डोमिनेंट कास्ट है वो नहीं जरूरी है वही हो जो कि रिचुअली डोमिनेंट, जो रिचुअली हाइएस्ट क्लास है। हर रीजन में एक अलग अलग कास्ट जो है वो डोमिनेंट कास्ट है, जो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है, लैंड से एक्सेस है उसको, इकोनॉमिकली वो हायरार्की में ऊपर उठ गया है। रजनी कोठारी जो हैं, वो एक बहुत ही फेमस इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं। ही इज नोन फॉर कांग्रेस सिस्टम। उन्होंने बताया कि जो सिंगल पार्टी डोमिनेट सिस्टम, उसको कांग्रेस सिस्टम उन्होंने निरूपित किया। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कांग्रेस सिस्टम पे, आप देख सकते हैं। उन्होंने एक बुक लिखा था, बहुत बुक लिखा है, उसमें से जिस बुक पे आधारित था वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया, और उसमें उन्होंने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स को बताया, जो मैंने इस चैप्टर में बताया आपको। लुई डुमा जो हैं वो फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखा इंडियन कास्ट सिस्टम पे, होमो हायरार्किकस, द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन। और उन्होंने जो है इस बेसिस पे कि कास्ट सिस्टम पॉल्यूशन एंड प्योरिटी बेस्ड एक क्लोज्ड हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर को निरूपित करता है, इसके लिए बहुत फेमस हुए पॉल्यूशन एंड प्योरिटी। दीपांकर गुप्ता की पूरी थ्योरी मैंने आपको बताई, वो एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने लिखा फ्रॉम वर्णा टू जाति द इंडियन कास्ट सिस्टम फ्रॉम एशियाटिक टू फेडरल मोड ऑफ प्रोडक्शन। इस पे उन्होंने जो एक थ्योराइज किया कि क्या कारण रहे होंगे वर्णा के ओरिजिनेट करने के, जो उन्होंने उसको एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन से जोड़ा, और कैसे लेटर वैदिक काल में वो जो है फेडरल प्रोडक्शन में बदल गया, मतलब समझ लिए उपनिषद या आने या एडी तक आते आते ईसा काल के बाद, और उससे कैसे जो है वो वर्णा जाति में कन्वर्ट होने लगा, ये उन्होंने थ्योराइज किया दीपांकर गुप्ता ने, मैंने आपको बताया। निकोलस डर का भी मैंने आपको बताया, एक अमेरिकन एकेडमिक एंड फॉर्मर चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है बर्कले। इन्होंने बुक लिखा 2001 में कास्ट ऑफ माइंड कॉलोनियलिज्म एंड मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें उन्होंने एक तरह से ये कहा कि कॉलोनियल रूल जो इंडिया में है उसने कास्ट को वो रूप दिया जो हम सोचते हैं ये कास्ट सिस्टम है, जबकि एक्चुअल में पता नहीं क्या है, किस टाइप का था, क्योंकि जैसा आपको बताया जाएगा, यदि आपको कास्ट सिस्टम का मान लीजिए पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं तो आपको लग रहा है कास्ट सिस्टम ये है, लेकिन इसके अलावा हमें खुद पता है हम इंडियन होने के चलते कि कास्ट सिस्टम क्या है। इसलिए निकोलस डर का ये कहना भी पूरी तरीके से सही नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है कॉलोनियल मास्टर ने हमको बताया कि कास्ट सिस्टम कैसा है, लेकिन फिर भी इसका काफी असर पड़ता है कि यदि आपको थ्योरेटिकली बताया जाए शास्त्र के बेसिस पे कि ऐसा है ऐसा है, तो आपको ये होता है कि हाँ ऐसा ही है। तो ये जो है निकोलस डर्क ने इस बुक में ये बताने की कोशिश की कि कास्ट को गढ़ा गया कॉलोनियल थिंकर्स के द्वारा, ना कि ये एक्चुअल एंड रियल हमेशा से थाउजेंड साल से ऐसा रहा है। अब आइए यदि प्रोबेबल क्वेश्चन, क्योंकि कोई आपको प्रीवियस क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, मुझे आशा है कि इवन टीचर्स भी जो क्वेश्चन सेट करेंगे इस वीडियो
से शायद उनको भी कुछ क्लू मिले यदि वो देख रहे हो। तो पहला क्वेश्चन ये है, डिस्कस द मीनिंग कनोटेशंस एंड फीचर्स ऑफ वर्णा एंड जाति इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एकदम रन ऑफ द मिल क्वेश्चन, सीधा सिलेबस को एक क्वेश्चन बना देना, ऐसे ही बनता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, वर्णा गेव ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू द जाति विच वॉज द रियल एंड प्रैक्टिकल बेसिस ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द रोल ऑफ वर्णा एंड जाति इन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर या सोशल सिस्टम। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें आपको वर्णा क्या है, जाति क्या है, उसका रोल क्या है इंडियन सोशल सिस्टम में, ये आपको बताना है, दोनों में डिफरेंस जो मैंने आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन है, यूज ऑफ कास्ट फॉर बोथ वर्णा एंड जाति हैज कन्फाउंडेड, मतलब कंफ्यूज द डिफरेंट ऑरिजिन एंड रोल ऑफ वर्णा एंड जाति इन इंडियन सोशल सिस्टम। तो यहां आपको कास्ट का मीनिंग बताना है, कैसे वो वर्णा को भी ट्रांसलेशन कास्ट ही है, जाति का भी, और इससे कैसे कंफ्यूजन हुआ है, वर्णा और जाति कैसे एक जैसा लगने लगा क्योंकि उसको अंग्रेजों ने कास्ट कह दिया, कैसे दोनों अलग है। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसा है, आपको वर्णा और जाति को अलग अलग, उसके मीनिंग, उसके फीचर, उसके रोल बताने हैं, और ये बताना है बाद में कि कैसे कास्ट ने इन दोनों को एक कह के कंफ्यूजन क्रिएट किया। अंडर द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ रिजर्वेशन एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन सोशल सिस्टम हैज अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट होगा, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ कास्ट इन कंटेम्पररी इंडिया। तो ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, आप भी लिख सकते हैं कि कास्ट कैसे बदल रहा है, कैसे ट्रेडिशनल जो कास्ट का लिंकेजेस था, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, पैट्रन, क्लाइंट, जजमानी सिस्टम, वो टूट चुका है, कैसे उसका रिचुअलिस्टिक एंड रिलीजियस सैंक्टिटी भी डाइल्यूट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे नए रूप में कास्ट सामने आ रहा है क्योंकि वो रिजर्वेशन देता है और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको वोट देता है, इसके चलते वो एक अलग ही तरह की यूटिलिटी के साथ अब इंडियन सोशल सिस्टम में उसका उदय हो गया है। इसके बावजूद भी कि लोगों को ना तो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से कोई नाता रह गया है और ना ही कोई छुआछूत से ज्यादा मतलब शहर में रह गया है, उसके बावजूद भी लोग अपने कास्ट आइडेंटिटी को एसर्ट करते हैं, कास्ट कॉन्शियसनेस से वो अवगत होते हैं और उसको बार बार जो है वो निरूपित करते हैं क्योंकि उससे उनको रिजर्वेशन या इलेक्शन में फायदा है। डिस्पाइट एन इगैलिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एकदम इक्वलिटी, इगैलिटेरियन मतलब इक्वलिटी पर बेस्ड है, द कास्ट इज स्टिल ए रियलिटी ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। डू यू एग्री, क्या मानते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट को खत्म एक तरह से कर दिया, अनटचेबिलिटी खत्म कर दिया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया, हायरार्की खत्म कर दी, रूल ऑफ लॉ में सब इक्वल हो गए, लेकिन फिर भी कास्ट है, फिर भी सोशल स्टेटस, पावर उससे जुड़ा हुआ है, कास्ट एक रियल फैक्ट है हमारे सोशल लाइफ का, क्या आप मानते हो? यदि मानते हो तो इसके सपोर्ट में आर्गुमेंट दो, नहीं मानते तो उसके अगेंस्ट में भी आप लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग, कई लोग कहते हैं कि सर कहां से लिया गया, मैं हमेशा बताता हूं कि मैं अपने हर वीडियो में रेफरेंसेस देता हूं, गौर से पढ़िए, पूरा नहीं दे पाता हूं, इसके अलावा मैंने काफी पढ़ाई की है आपके इस वीडियो के लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहां पे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, पहले तो सॉरी कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैंने आज तक इतना लंबा वीडियो नहीं बनाया था, मतलब थीम बेस्ड PYQ बनाया है, MCQ बेस्ड, लेकिन मुझे लगा कि दो वीडियो बनाने से अच्छा है चलो एक ही वीडियो में कर देते हैं, आप इसको एक लंबा वीडियो लेक्चर आधा आधा करके देख सकते हो। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं अदर सेमेस्टर में, अभी इस सेमेस्टर की गाइड तो मैंने नहीं निकाला है लेकिन UPT की गाइड अभी भी अवेलेबल है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, इसकी गाइड एक दो महीने के अंदर आएगी, तो आप यहां से गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके से आप मुझसे जो है सवाल पूछ सकते हैं किसी भी तरीके की, मैं कोशिश करूंगा भरसक एक दो लाइन में जवाब देने की। तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्द राष्ट्र और राज, जिसके साथ ही खत्म करेंगे DSC 2 को, तब तक के लिए विदा।